ओके, सो स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं ना। एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में पूछा था, चलो तो उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे साउ बुक से। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ एम जी एफ, तो इस तरह से था, है ना, 6 बाई पाई स्क्वायर समेशन ई रेस टू पावर टी स्क्वायर अपॉन 2n एंड अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मोर देन इक्वल टू 1 का मतलब यही हुआ, एंड t इज t बिलोंग्स टू r। सो क्वेश्चन दे आस्क यू देन प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x बिलोंग्स टू q, सो क्यू मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना, वेयर क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ओके, तो इक्वल, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शंस इसमें हैं 0, 1/4 एंड 1/2 एंड 3/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है इसको पूछने का, यू हैव गिवन एम जी एफ। ठीक है, सो इन जनरल एम जी एफ से प्रोबेबिलिटी निकालना इम्पॉसिबल है ना, तुम एम जी एफ को यूज कर प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ये पूछना चाह रहा है तुमसे, सो दे वॉन्ट टू नो टू थिंग्स फ्रॉम यू, सो डू यू नो काउंटेबल सेट एंड डू यू नो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मतलब इसके बारे में पता है क्या। तो ये दो चीजें तुम्हारा टेस्ट कर रहा है, सो प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बताओ एक एक करके, एनी वन अनम्यूट करके बताओ, कॉन्टिन्यूअस सेट का क्या डेफिनेशन, सॉरी काउंटेबल सेट का क्या डेफिनेशन है, व्हेन डू यू से अ सेट इज काउंटेबल। और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये होगा कि इज क्यू अ काउंटेबल सेट, तो सबको पता होगा, तुम सबने रियलिटी पढ़े हैं, सो यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट, हाउ डू यू डिफाइन काउंटेबल सेट? क्लोज इंटरवल के अंदर जो मतलब जो वैल्यूज होते हैं उसको काउंटेबल बोलते हैं क्या? मतलब हम श्योर नहीं है सर, एक्चुअली बस वो कुछ तुमने एनालिसिस पढ़ा है ना, वे एनालिसिस पढ़ा है उन्होंने। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का सारा जो होगा वैल्यू वो मेरा काउंटेबल होगा हाँ, मैं उसको प्रोबेबिलिटी का काम। सेंस, प्रोबेबिलिटी का सेंस में नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू इन सेंस ऑफ रियलिटी। सो हाउ डू यू फाइंड इन रियलिटी, जब तुमने फर्स्ट टाइम, देखो तुमने पढ़ा होगा सेट क्या होता है, सेट कैन बी आइदर सेट ऑफ एम्प्टी। सेट व्हिच इज काउंटेबल एंड इट टेक्स डिस्क्रीट या और डिस्टिंक्ट वैल्यू। ओके, मतलब बात तुम्हारा सही है, लेकिन मैं जो वर्ड चाह रहा हूँ, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है वो मैं चाह रहा हूँ, सो उससे थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा देखो, सेट क्या होता है, या तो एम्प्टी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है तो आगे कुछ बात नहीं होगी, नॉन एम्प्टी है तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है ना। सो नॉन एम्प्टी सेट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर इनफाइनाइट में दो तरह के सिचुएशन दो टाइप या है ना, दो टाइप के होते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट दो तरह के हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दो तरह के होते हैं ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे डिसाइड करेंगे कोई इनफाइनाइट जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में एक्चुअली काउंटेबल जो वर्ड यूज करते हैं वो उसमें फाइनाइट प्लस काउंटेबली इनफाइनाइट, तो दोनों को मिला के हम काउंटेबल वर्ड यूज करते हैं। सो मेनली क्या है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट से, मैं ये जानना है। सो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये तरह की चीजें हैं। तो इनफाइनाइट दो तरह की हैं, तो तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों इनफिनिटी में। तो मेरा क्वेश्चन, या काउंटेबल सेट का मतलब होता सर है, काउंटेबल इनफाइनाइट का एग्जांपल होगा, जैसे एक्स है 1 से 2 में बिलोंग कर रहा है तो हाँ काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर 1 से इनफिनिटी जाएगा तो फिर शायद अनकाउंटेबल।
तुमने एग्जांपल वन से मतलब सर इसको इंटरवल में देख सकते हैं ना सर, जैसे क्लोज इंटरवल में हम लोग को कोई दो रेंज दे दिया तो हम लोग को पता नहीं उस बीच में कितना नंबर्स हो सकते हैं सर। वैसे वही अभी कोई बोला कि वन से टू, तो सर वन से टू के बीच में तो इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं जो कि वन से हमें टू पता क्या नहीं, तो इंटरवल, उस इंटरवल की बात कर रहे हो? क्लोज क्लोज इंटरवल पे सर, क्लोज पे बोल हाँ रहे हैं, क्लोज ले लें चलो। काउंटेबली इनफाइनाइट तो ये क्या जो है, इंक्लूडिंग काउंटेबली बाउंड्री इनफिनाइट है या पॉइंट, अनकाउंटेबली इनफिनाइट है? काउंटेबली बोल सकते हैं सर वो। ओके चलो, ये तो मैं तुमसे अंदर की बातें पूछ रहा था डीपली, छोड़ो काम की बात पे आते हैं। बताओ रैशनल नंबर काउंटेबली इनफिनाइट है या अनकाउंटेबली इनफिनाइट है? छोड़ो सीधा सीधा ये बताओ, रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है क्यू, वो काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है? क्वेश्चन है यस काउंटेबली नो। इनफाइनाइट ओके तो इस क्वेश्चन का पर्पस इतना ही है, मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें यही जानना है कि क्यू काउंटेबली इनफाइनाइट है या नहीं है। तो आंसर है यस। अब वो क्यों है तो उसके लिए तुम्हें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, फिर प्रूफ पे जाना पड़ेगा। तो मैं वही तुमसे चेक करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है। तो तुम लोगों को बेसिक सेट थ्योरी पढ़ना चाहिए, किसी भी रियलिस्ट बुक में पहला चैप्टर में डिफाइन होता है। कोई भी बार्टल उठा लो या मलिक अरोड़ा उठा लो, कोई भी उठा लो, उसमें पहला पढ़े थे चैप्टर। सर, दिमाग में एग्जैक्ट किसी को याद नहीं है डेफिनेशन नहीं। काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब डेफिनेशन क्या है? मतलब डेफिनेशन तुम लोग हो सकता है याद नहीं है, ठीक है प्रॉपर्टी याद है चलेगा, लेकिन याद तो होना चाहिए। क्यू काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ओके तुम लोग अक्सर पढ़ते हो ना, जैसे मान लो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका जो सपोर्ट होगा वो काउंटेबल सेट होगा, और अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट होगा। तो मेरा यहाँ पर्पस ये था कि डेफिनेशन क्या है किसी को नहीं पता है, ट्राई करो अलग अलग अपने तरीके से, तुम्हें कुछ याद आ रहा हो। चलो हिंट देता हूँ, बाइजेक्शन फंक्शन के टर्म्स में डेफिनेशन है, बाइजेक्टिव फंक्शन के टर्म में। अब सर कुछ याद है? कार्डिनेलिटी के टर्म में बोल सकते हैं क्या सर इसको? बताओ। जो सेट मेरा ए टू बी लाए करता है, यदि एक मतलब सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बनता है उस काउंटेबल सेट हो जाएगा। ओके किसके साथ बनता है रिलेशन, दोबारा बताना। सर कार्डिनेलिटी जितना कोड डोमेन बनता है सर उसके साथ। किसके साथ कार्डिनलिटी, मतलब रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, द इंटीजर? नेचुरल नंबर सर। ओके हाँ तो ऑलमोस्ट करेक्ट, मैं लिख देता हूँ। देखो जैसे डेफिनेशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में हेल्प होगा, ऐसे तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे हर पॉइंट पे ना तो तुम है ना मतलब मरते दम तक भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट है ना। तो किस किस पॉइंट पे तुम फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट में भी काउंटेबल है अनकाउंटेबल नहीं है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जैसे तुम जानते हो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये काउंटेबल सेट है मतलब इनफाइनाइट है और वो काउंटेबल है। रियल नंबर तुम जानते हो किसी भी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर होते हैं तो वो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर्पस क्या है इस क्वेश्चन में, मतलब तो दो चीजें तुम्हें जानना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ऐसे बोल सकते हैं कि सर जिसमें पर्टिकुलर वैल्यूज होती है वो काउंटेबल होता है, जिसमें पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं होती वो अनकाउंटेबल होती है। पर्टिकुलर वैल्यूज होती है मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो 1 2 3 ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, ऐसा बोलना चाहते हो? यस सर। ओके चलो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखा देता हूँ, तुम लोग याद नहीं है यार, यहाँ तुमने पढ़ा होगा ऐसा नहीं, टोपोलॉजी इस बार हटा दिया है। अगर टोपोलॉजी इस बार जैम के सिलेबस से टोपोलॉजी पार्ट हटा दिया, अच्छा मैथ्स हटाया है, स्टैट्स में पता नहीं तुम लोग है कि नहीं, मैथ्स का पार्ट देखना पड़ेगा। तो मैं लिखा देता हूँ काउंटेबली इनफाइनाइट का डेफिनेशन क्या है। मान लो अ सेट, कोई सेट ले लो, मान लो ए बोल देता हूँ कैपिटल ए, और तुम एस ले लो चाहो तो, अ सेट एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, या बुक में बाइजेक्शन लिखा होता है मतलब वही है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू नेचुरल नंबर, या उल्टा लिखोगे तो भी चलेगा, तुम ये भी लिख सकते हो एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एस। क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब तुम्हें पता होगा बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू बोथ, ठीक है? मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हें एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है तो उसका मतलब डोमेन और को डोमेन की कार्डिनलिटी सेम होती है, तो एस में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये मतलब है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का, कि एक ऐसा सेट है जो इनफाइनाइट है लेकिन उस सेट में उतने ही एलिमेंट है जितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये एग्जैक्ट किसी बुक, कोई भी बुक उठाओगे तो यही डेफिनेशन लिखा होगा।
कि देर इज अ वन टू वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट एंड द नेचुरल नंबर, ऐसे लिखा हो. सो वन टू वन करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि कोई सेट अगर तुम्हारे पास काउंटेबल इनफाइनाइट है तो उनको लेबल कर सकते हो. लेबल करने का मतलब किसी एक एलिमेंट का नाम ए वन रख दो, किसी दूसरे का ए टू, किसी तीसरे का ए थ्री, किसी चौथे का ए फोर, एंड सो वन, इस तरीके से चलता रहेगा इनफाइनाइट तक. तो मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी हमारा पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी एट रैशनल नंबर. अब एक रिजल्ट है तो ये रिजल्ट तुमने सही बताया कि क्यू इज काउंटेबल इनफाइनाइट से. तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है काउंटेबल इनफाइनाइट का, सो एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, मतलब जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल है. इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है. फिर जैसे एक सेट है तुम इवन नंबर्स का, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर का जो सेट है वो भी काउंटेबल है. ओके, ऑड नंबर्स का सेट भी अकाउंटेबल है, प्राइम नंबर का सेट भी काउंटेबल है. ठीक है, तो अब मैं पॉइंट पे आता हूँ. क्यू एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, द रिजल्ट ये है कि क्यू रैशनल नंबर इज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट. तो तुम अगर सारे रैशनल नंबर को लिस्ट करोगे ना तो उसको लेबल कर सकते हो. लेबल का मतलब है तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो क्यू को, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो वन, इस तरह से लिख सकते हो. तुम्हें पता नहीं ए वन क्या है, मतलब ऐसे लिखना डिफिकल्ट है, लेकिन लेबलिंग कर सकते हो क्योंकि डेफिनेशन से ऐसा है कि बोलना चाह रहा है देयर इज अ वन टू वन करेस्पॉन्डेंस. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तुम क्यू लगा सकते हो क्योंकि क्यू एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है. तो ये लिखा मैंने, इसकी जगह क्यू हो सकता है. तो रैशनल नंबर को भी लेबलिंग किया जा सकता है, वन टू थ्री फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से. अच्छा, अब आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन ये था कि प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्यू. इसका मतलब ये है कि क्यू काउंटेबल सेट है, मतलब क्यू में उतने ही एलिमेंट है जितने नेचुरल नंबर्स हैं. ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा बिगनिंग अगर तुमने पहले नहीं सुना है तो, है ना. जैसे हम बोलते हैं इंटीजर उतने ही है जितने नेचुरल नंबर्स हैं, ये सही बात है मैथमेटिकल सेंस में. ऐसे नॉर्मल इंसान को समझाओगे तो उसको लगेगा ऐसे कैसे. तो मतलब देर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स, सेम देर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम रैशनल नंबर टू नेचुरल नंबर. तो ये रियल वाली बुक खोल के पढ़ लेना ज़्यादा. अभी बस जानकारी के लिए ये है कि रैशनल नंबर काउंटेबल है. तो काउंटेबल है तो हम इसके एलिमेंट्स को लेबल कर सकते हैं. तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब मैं बोला क्यू को तुम क्या लेबलिंग कर सकते हो, ए वन, ए टू एंड सो वन, मतलब चलता रहेगा, एंड तो होगा नहीं. तो एक्स कैन वी कैन टेक वैल्यू ए वन और ए टू और ए थ्री. काउंटेबल मतलब डिस्क्रीट भी तुम बोलते हो, जैसे तुम लोग बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, बट एग्जैक्ट मैं डेफिनेशन चाहता था. सो ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरह से तुम एलिमेंट्स को लेबल कर सकते हो रैशनल नंबर में. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी एट ए वन, प्रोबेबिलिटी एट ए टू. यहाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं ए वन ए टू क्या है, क्योंकि वो तुमसे वो जानना भी नहीं चाह रहा है, वो बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है. ए टू एंड सो वन मतलब चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी. आंसर जीरो है. हाँ, अब आंसर जीरो क्यों होगा, अब तुम्हें आते हैं एम जी एफ. तो अभी तो मैं ये जानना चाह रहा था रैशनल नंबर के, क्वेश्चन ये था कि रैशनल पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कितने पॉइंट पे चेक करेंगे. तो रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल, सो दे आर काउंटेबली मेनी वैल्यूज, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, मतलब ए वन हो सकता है 1/2 है, ए टू 1/3 है, इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट. अब आओ एम जी एफ पे. तो एम जी एफ से मुझे अब ये डिसाइड करना है कि ये जो एम जी एफ है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एम जी एफ है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एम जी एफ है. मतलब एक्स जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है. अगर तुम इतना डिसाइड कर लिए तो आंसर क्वेश्चन हो गए. बस यही डिसाइड करना है एम जी एफ से कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो एम जी एफ है ये किसी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है. तो कल लास्ट क्लास तुम लोग गेस कर रहे थे, ठीक था ना, इसको देख के थोड़ा सा तुम अंदाजा लगा सकते हो. ओके, और हमने बताया था ये एक हिंट है कि 1/n² का समेशन जो होता है 1 to infinity, ये 5π² / 6 होता है. तो ये भी रियल में तुम ये फॉर्मूला देख सकते हो सीरीज में. सो ये फॉर्मूला है कि समेशन 1/n² इज π² / 6. तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगेगा, ओके ये जो एन स्क्वायर है इसका कहीं ना कहीं रिलेशन इसके साथ है. तो ये कैंसिल होके और ये जो तुम्हारा है दिस क्वांटिटी यू कैन गेस द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो अब मैं आता हूँ, मतलब तुम्हें अब ये गेस करना है कि ये एम जी एफ डिस्क्रीट का है या कॉन्टिन्यूस का है. तो क्या लगता है, एक्स जो रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है? सर इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, कंटीन्यूअस है. तो अब यहाँ से हम ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, तो क्या होगा, तो पहले एक मैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं ये भी लिख देता हूँ कि कंटीन्यूअस रैंडम, मैं पहले प्रूफ कर देता हूँ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है वो एक्स, और डेफिनेशन के लिए
अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब बहुत सारे डेफिनेशन है, मतलब अलग अलग टर्म्स में तुम डिफाइन कर सकते हो, बट बताओ जिसको जो याद है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हाउ कैन वी से एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्या डेफिनेशन है अपने तरीके से बताओ जो भी तुम्हें याद है। रैंडम वेरिएबल विद टेक्स वैल्यूज इन इंटरवल, रेंज सेट जो होगा वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। हाँ यस सर, रेंज सेट जो होगा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, तो वो रहता है कि मेरी डेफिनेशन इस टाइप का, अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू वन फॉर ए इज काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, इस तरह से डिफाइन किया रहता है। सो अगर एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट तुम्हें मिलता है जिसके लिए एक्स ए में बिलोंग कर रहा है प्रोबेबिलिटी वन हो जाती है, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा बताओ, एक दूसरा डेफिनेशन है कि जो सी डी एफ है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब कैलकुलस वाला टर्म है ये, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दूसरा डेफिनेशन है कि जो सी डी एफ होगा एक्स का वो एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। कुछ बुक में देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा है, जैसे होयल पोर्ट और एक बुक बुक है उसमें ऐसे डिफाइन किया, उसमें देखोगे तो लिखा होगा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई रैंडम वेरिएबल x कॉन्टिन्यूअस होगा अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी हर रियल नंबर के लिए, यानी कि एक दो के लिए, हर रियल पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, तीनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। तो अभी हमारा काम का डेफिनेशन ये है, मतलब एक डेफिनेशन है तो बाकी रिजल्ट है ऐसा समझ लो। तो हमारा अभी काम के लिए ये चीज़ है कि x अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तुमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, चाहे कोई भी रियल नंबर, तुम तो रैशनल लिए हो तो रैशनल पे भी जीरो होगा अगर रियल पे है तो उसके हिसाब से अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि x तुम्हारा अगर x जो रैंडम वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ठीक है हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, तो प्रोबेबिलिटी सम होकर एट लास्ट तुम्हारा आंसर जीरो हो जाएगा। तो अब क्योंकि डिस्क्रीट है फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगा प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पर निकालना, नहीं निकाल पाओगे। तो उनका पर्पस भी यही था कि तुम्हें ये दो चीज़ें पता हो, एक तो रैशनल काउंटेबल होता है और दूसरा कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हर पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो तुम कर पाओगे क्वेश्चन। ओके, क्योंकि ऐसे तुम डेरिवेटिव वेरिटी करोगे तो उससे क्या मीन आएगा, प्रोबेबिलिटी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने पे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो अभी उसमें जो टर्म है ई रेस टू पावर, तुम लोगों को पता है कि अगर एक्स तुम्हारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो इसका एमजीएफ क्या होता है जी, बताओ कोई। ई रेस टू म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। जी, तो ये हो गया। इसी में अगर एक्स हमारा नॉर्मल 0, चलो सिग्मा स्क्वायर है तो म्यू जीरो हो जाएगा, तो ई रेस टू टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर बाई, मतलब ये वाले टर्म जीरो हो गए ना खाली, अब जरा आते हैं। तो तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन में हिंट आ रहा होगा कि टी स्क्वायर बाई टू एन यूज किया है। ओके, तो यू कैन कंपेयर दिस विद दिस, तो उससे तुम्हें आइडिया लग रहा होगा। ओके, अगर एक्स मान लो 0, 1/√n है, मतलब सिग्मा स्क्वायर जो है 1/n है, तो सिग्मा 1/√n है, ठीक है, मैं सिग्मा स्क्वायर लिख रहा हूँ। So, इस केस में जो होगा MGF वो क्या होगा, e रेस टू पावर, तो सिग्मा स्क्वायर तो 1/n हो गया, तो ये आ गया टी स्क्वायर बाई। ओके, तो इससे एक आइडिया लगा कि उसमें जो ये यूज किया है, जो ये टर्म यूज किया है, ये MGF है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि तुम्हें पता है नॉर्मल 0, 1/n, सो ये पता है कि x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसके बारे में तो पहले से पता है। अब हमारा मेन एमजीएफ पे आते हैं। सो जो मेन एमजीएफ क्वेश्चन में गिवन है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, और स्ट्रिक्ट वर्ड यूज करोगे तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन, तुम लोगों ने लीनियर में एक वर्ड सुना होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4, तो ais आर कॉन्स्टेंट, xis आर वेक्टर, या a1v1 + a2v2 + a3v3 एंड सो ऑन, तो ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन anvn तक। तो यहां भी तुम देखोगे तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। क्या लिखा है, 6/π² समेशन 1/n² में बाहर रखता हूँ, e रेस्ट पावर टी स्क्वायर बाई टू एन, ठीक है।
तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये सी वन सी टू सी थ्री इस तरह नाम दे सकते हो तुम, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी तक है। तो ये तो मुझे पता है कि ये इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, तो मैं क्या, चलो एक्स एन दे देता हूँ सुविधा के लिए, है ना, फॉर कंफर्ट, है ना, या इजी अंडरस्टैंडिंग, एक्स एन नाम दे दिया कि एक्स एन एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मतलब है नॉर्मल 0 1 बाई एन। तो ये कुछ ऐसा है, 6 बाई पाई स्क्वायर, मतलब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। तुम एक बार में गेस कर लिए कि कॉन्टिन्यूस है और रैशनल काउंटेबल है, आंसर 0 हो गया, जैसे कि लास्ट क्लास में बहुत लोगों ने बताया, एक दो लोगों ने बताया अभी था। तो समेशन 1 बाई एन स्क्वायर है ना, और ये क्या हो गया, एम एक्स एन लिख देता हूँ, ठीक है, ऑफ टी। तो ये एक्स एन जो रैंडम वेरिएबल है उसका एम जी एफ है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, इसका पीडीएफ तुम्हें पता है कि, मतलब इस वाले का पीडीएफ तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एमजेएफ है, उसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो क्या ये एक्स जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उसके लिए तुम्हारा पीडीएफ क्या होगा, मतलब यहाँ से तुम सिंपली अब तुम बता सकते हो कि जो ये एक्स है वो क्या है तुम्हारा, ये जो एमजेएफ है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एम एक्स एन टी, है ना, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूअस। बट इसे प्रूफ करना हो तो जैसे मुझे एफ ऑफ एक्स एन अगर मैं लिखूँ, तो बताओ एक्स एन का पीडीएफ क्या होगा, एक्स एन मतलब इसका नॉर्मल 0 1 बाई एन, इसका पीडीएफ क्या होगा, क्या आएगा, 1 बाई रूट 2 पाई 2 पाई n n सिग्मा, सिग्मा 1 बाई रूट 10 है ना, ई रेस टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू, एक्स तो जीरो है, म्यू 0 है, अपॉन x सिग्मा बाय एक्स n में, x स्क्वायर बाय 1 बाय n ये हुआ ना इस x तरह से, स्क्वायर क्योंकि सिग्मा, एक मिनट यहाँ मैंने, रूट n यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा 1 बाई रूट 10, है ना, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तुम्हें पता है कि ये √n/√2π और ई रेस टू पावर माइनस हाफ, और ये आ जाएगा तुम्हारा nx² इस तरीके से, करेक्ट है, ओके। तो ये एक्स एन का पीडीएफ है, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ एक्स, ये वाला जो एक्स है उसका पीडीएफ क्या होगा, तो कैन यू डिसाइड, सर। जी सर ये कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे टेंड्स कर जाएगा ना, जैसे सर लेकिन जैसे सर ये हम एम एक्स से जैसे सर ये एम एक्स एन टी है, तो सर इसका जब हम लोग सीडीएफ निकालेंगे तो हम लोग को पता है कि कंटिन्यूअस है, तो इसका सीडीएफ सर लेस देन, अगर मैं सी, अगर सी कोई पॉइंट मस कंसिडर करते हैं, तो सर लेस लेस देन सी पे उसका वैल्यू 0 होगा, और बेटर इक्वल टू सी पर अगर देखेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो सर ये MxNt का हमको आप CDF दिख जाएगा, और सिमिलरली सर हम लोग यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन से बोल देंगे कि MxT भी दोनों इक्वल हो जाएगा, हाँ, वो तो इक्वल हो जाएगा, मैं समझ तो गया। सर इन डिस्ट्रीब्यूशन जब दोनों टेंड्स करेगा तो सर इसका PDF भी तो दोनों टेंड्स करेगा सर, अरे क्वेश्चन हमारा ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस है एक्स या डिस्क्रीट है, हमें तो ये प्रूफ करना है। हम हमारा तो क्वेश्चन ये है कि एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ से मुझे दिख गया, तुम्हें भी दिख रहा होगा, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, कि जो कांस्टेंट होता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखते हो a1 b1 a2 v2 एंड मान लो an vn, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो a1 a2 an है ये क्या रहेगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में ये सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे और इनका सम 1 होगा। तुम्हें अगर याद हो λx+1 − λy इस तरह से, यस λ 0 से 1 होता है। तो एनीवे यहाँ देख लो, ये जो है, तो मैं बोल देता हूँ पीडीएफ क्या होगा, तो इसके हिंट से तुम लिख लोगे कि पीडीएफ इज 6 बाई पाई स्क्वायर समेशन 1 बाई n² एफ ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स। अब तुम इसका अगर तुम वो निकालो, एमजीएफ निकालो इस फंक्शन का, इस पीडीएफ का, तो तुम्हारा एमजीएफ वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। इफ यू फाइंड द एमजी ऑफ दिस वन यू विल गेट दिस एमजी, डेफिनेशन से, जैसे डेफिनेशन यूज करते हो उसके हिसाब से यूज करते हो। और अब क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो फंक्शन था दिस इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मतलब ये जो फंक्शन है ये पीडीएफ है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, नॉर्मल 0 1 बाई एन का, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो होगा वो नॉर्मल होगा। तो यहाँ से ये डिसाइड होता है, या उतना छोड़ो, नॉर्मल में मत जाओ, सीधा ये डिसाइड करो कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस
एंड यू आर टेकिंग लीनियर कॉम्बिनेशन सो एक्स इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूस. ठीक है, तो ये मैं प्रूफ करने के लिए इतना लिखा हूँ, तुम्हें डायरेक्टली समझ आ रहा है, दैट्स फाइन. ठीक है, कि नॉर्मल से कहीं ना कहीं रिलेशन है और ये कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन है, सो फाइनली एक्स गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूस. और एक्स कॉन्टिन्यूस है तो एट ईच पॉइंट द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी जीरो. मैंने कहा x1 पे, फिर x2 पे, है ना, x कैन टेक वैल्यू a1, कैन टेक a2, a1 a2 आर रैशनल नंबर्स. ठीक है, मैंने लेबलिंग किया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देन 0 प्लस 0, सो एट लास्ट यू विल गेट 0. ठीक है, या तुम समेशन भी ले सकते थे, समेशन है ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ए आई आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लाइक दिस, सो एट लास्ट यू विल गेट आंसर 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, टू टू थिंग्स यू शुड नो, है ना, countable set and then, इसलिए थोड़ा रियलिसिस बहुत हेल्पफुल होता है प्रोबेबिलिटी में ना, हर जगह यूज होता है, जैसे आगे जाकर मेजर थ्योरी यूज होता है, द रियल का एक्सटेंशन है मेजर थ्योरी. ओके, तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नहीं है तो मैं स्टार्ट करता हूँ 10th चैप्टर. ठीक है, जो साहू वाली बुक है हमने 9th तक कंप्लीट किए थे, एक साइज भी हो गया था, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 10th चैप्टर. ओके, तो अभी मैं 10th चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ. 10th जो है वो चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो स्टार्टिंग में हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं क्योंकि ये बहुत लेट दिया है ना, लेकिन पहले हमने इसके एक दो क्वेश्चंस किए हैं, बट हम इसको देखेंगे डिटेल में. सो चैप्टर 10, ठीक है, साहू वाली बुक का है, एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम. तो इसमें वो भी है, वन वेरिएबल का भी है, टू वेरिएबल का भी ट्रांसफॉर्मेशन है, थ्री वेरिएबल का भी है, इस तरह से. ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट से. जैसे पिछले बार है ना, कई लोगों ने पूछा था डिस्क्रीट में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो डिस्क्रीट में कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, जस्ट तुम्हें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी होती है ना, मतलब उतना ज़्यादा कोई जैकोबियन नहीं लगाना है, कोई सीरिया फुडिया फाइन नहीं करना है, सीधा तुम्हें अगर वाई तुम्हें दे रखा है जो भी है, जैसे मान लो सपोज तुम्हें पी एम एफ दे रखा है कुछ, है ना, कुछ भी है, सो यू हैव गिवन पी एम एफ ऑफ एक्स and y is some g x. So तुमसे पूछता है कि what is the PMF of y? ठीक है, this is PMF of x and y is a function of g x. ठीक है, so what is PMF of y? So तुम्हें क्या करना है, corresponding to पहले x का range देख लो क्या है, मतलब x what are the values है ना taken by x, support क्या है इस x का, then you find corresponding support of y, कि y क्या क्या values ले सकती हैं, and then at each y you find the probability. ठीक है, x का तुम्हें पता रहेगा, जब PMF डिफाइन किया होगा तो लिखा होगा x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है ना, x can take what values, and then यहाँ पे तुम्हें y डिसाइड करना है उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है, कि उससे y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और each y पे तुम उसकी प्रॉबलिटी मास निकाल लो, एंड दैट विल बी द PMF. ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन देख लो, तो ये तुम्हें फाइन करना है सिंपली, किसी को डाउट नहीं है इसमें, x का PMF पता होगा तुम्हें, ये फंक्शन पता होगा, डिस्क्रीट में बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस होगा तो एक्स का पीडीएफ पता होगा, देन जी पता होगा, देन तुम्हें वाई का पीडीएफ निकालना है. और जहाँ में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूअस वाला स्पेशल, सो लिखो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो डिस्क्रीट वाला. तो क्वेश्चन है द पीएमएफ, ठीक है, ऑफ एक्स इज गिवन बाय, तो इस तरह का टेबल बना दिया है तुम्हारे पास, है ना, एक्स और इधर इसकी प्रोबेबिलिटी है. सो एक्स कैन टेक वैल्यूज माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर भी है, एंड प्रोबेबिलिटी ये जो है, तो यहाँ तुम्हारा वन बाई टेन, टू बाई टेन, एंड देन वन बाई टेन, वन बाई टेन, ठीक है, वन बाई टेन, टू बाई टेन, टू बाई टेन, ठीक है, सो सम वन हो रहा है ना. तो पी एम एफ प्रॉबर्टी प्रॉपर्टी क्या होती है, सो ईच प्रॉबर्टी शुड बी नॉन निगेटिव, इनफैक्ट पॉजिटिव, एंड सम मस्ट बी वन. तो सम वन होगा, ठीक है, वन होगा, टू प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन, है ना, सात तीन सात तीन दस, ठीक है. तो क्वेश्चन ये है, अब मान लो वाई तुम्हारे पास है, इफ वाई इज एक्स स्क्वायर, तो फाइंड पी एम एफ ऑफ वाई. तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा, टेबल के फॉर्म में ही निकाल लो, ठीक है. सब लोग नोटबुक पे सॉल्व करो, एंड देन टेल मी द आंसर.
कितना टाइम लगेगा भाई? लगता है ये समझ नहीं आया क्या बोला मैंने भाई। कैन टेक वैल्यू 0, 1, 4, 9, 16। अब उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 0, 1/10, 1, 3/10, 4, 2/10, 4, 9, 2/10, 4, 16, 2/10। 4, 9, 2/10 हाँ, 4, 16, 2/10 ठीक है। सो ऑलमोस्ट सबका हो गया होगा ना, कुछ लोग बोलने में शर्माते हैं, शर्माना नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू है ना, सो सिंपल है, जस्ट x है ना टेकिंग वैल्यूज 0, ±1, ±2, ओके नाउ टेकिंग ओनली +3 एंड ओनली +4, माइनस नहीं है ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब तुम y का फाइंड करोगे ना, रेंज सेट, यू कैन सेट दिस इज अ रेंज सेट और यू कैन सेट सपोर्ट ऑफ x। सो रेंज सेट है, y कैन टेक वैल्यूज है ना, तो बुक में तुम्हें ऐसे भी लिखा मिलेगा कहीं x बिलोंग्स टू दिस, सो यू कैन राइट y बिलोंग्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिख लो। तो करस्पॉन्डिंग टू 0 y x स्क्वायर है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 सॉरी 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 9, 16। अब तुम्हें ईच y पे प्रॉबलिटी निकाल लेनी है, तो प्रॉबलिटी y 0, तो y 0 है तो मतलब x स्क्वायर 0, तो x स्क्वायर 0 का मतलब x 0, और x 0 पे था 1/10 ठीक है। तो ये हो गया, तो सिंपली y 0 पे आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1, तो y 1 का मतलब x स्क्वायर 1, x स्क्वायर 1 कब होगा, x कैन टेक ±1 एंड देन +1 पे प्रोबेबिलिटी है 1/10, -1 पे 2/10, तो ऐड हो जाएगा तो 3/10 हो जाएगा, 3/10 ठीक है ना। और फिर प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू, नेक्स्ट है वैल्यू है 4, तो अगेन y x स्क्वायर है, x स्क्वायर 4 है, तो x कैन टेक वैल्यू +-2, तो +2 पे है 1/10, -2 पे भी है 1/10, तो दिस इज 2/10। अब आते हैं नेक्स्ट, x प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू 9, तो प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर इज 9, तो x कैन टेक वैल्यू +-3, बट यू कैन सी हेयर एट 3 प्रोबेबिलिटी इज 2/10, और जो नहीं है ना अदरवाइज 0 होता है, तो -3 वो अदरवाइज में चला गया, तो ये जो वैल्यूज मेंशन किया हुआ है उस पे प्रोबेबिलिटी गिवन है, और जो नहीं मेंशन है उस पे 0 है। सो प्रोबेबिलिटी एट 3 इज 2/10 एंड प्रोबेबिलिटी एट -3 इज 0 बिकॉज मेंशन नहीं है, सो 0 प्लस 2/10 तो ये 2/10 होगा ठीक है जी। -3 पे प्रोबेबिलिटी 0 है तो -3 पे काउंट नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 16, तो सिमिलरली x स्क्वायर 16 है, तो प्रोबेबिलिटी y कैन टेक +-4, अगेन +4 पे मास है 2/10 एंड -4 पे मास नहीं है मतलब 0 है, तो यू विल गेट 2/10। तो ये आंसर हो गया, दिस इज द PMF, इसको तुम टेबल बना के लिख सकते हो है ना। सो इफ यू वांट टू मेक यू कैन मेक द टेबल, सो y 0, 1, 4, 9, 16, तो 0 पे था 1/10, नहीं इस पे 3/10 था ना, 1 पे 3/10, देन 2, 2, 2, 2/10, 2/10, 2/10, और चेक कर लो ये PMF है कि नहीं है, तो ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बीन पॉजिटिव ठीक है, टेबल बना रहे तो and the sum should be 1, so 6 + 4 = 10 ठीक है, this is correct answer। तो इस तरह क्वेश्चन इजिली कर लोगे डिस्क्रीट वाले है ना, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट। चलो जिन लोगों को दिक्कत हुई वो जल्दी जल्दी कर दो। एक और क्वेश्चन इस टाइप का ही है, दिस इज अगेन ईजी। सो एक टेबल दे रखा है तुम्हें, एक्स का पी एम एफ है एक्स पी एक्स ठीक है, तो एक्स कैन टेक वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलो 6 तक है प्रोबेबिलिटी है हर पॉइंट पे। अच्छा ये डाइस वाला केस हो गया ठीक है। सो ये x का पीएमएफ तुम्हारे पास है, दिस इज पीएमएफ ऑफ x, एंड देन y इज जैसे तुम्हें दे रखा है 2x + 1, तो बोल रहा है कि y का पीएमएफ बताओ, तो ये बहुत इजी नहीं है ना, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, स्पेशली वो लोग जिनको लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत हुई, जैसे किसी को ही नहीं होगी दिक्कत, नहीं है सबने कर ही लिए होंगे लास्ट में। सो सिंपली करस्पॉन्डिंग y फाइंड कर दो है ना, लाइक रेंज ऑफ x इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो व्हाट आर मतलब व्हाट इज रेंज ऑफ y, तो y का रेंज डिसाइड कर दो। अच्छा मुझे y का चाहिए यहाँ पे, y सो y 7, 9, 11, 13 क्या रेंज आएगा, 3
13. अब प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी, जैसे मैं वाई बराबर 3 रखूंगा तो वाई 3 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। मतलब जैसे देख लो, अगर वाई मुझे 3 चाहिए क्योंकि हमने उसी से तो वैल्यू फाइंड किए हैं, हमने 2x प्लस 1 में ही तो x को 1 रखा था तभी तो मुझे 3 मिला, तो यहाँ से ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि हमने x 1 रखा तो हमें वाई 3 मिला, तो इस पे प्रोबेबिलिटी थी 1/6। ऐसे ही तो बाकी के लिए भी सेम आंसर आएगा, 1/6, 1/6, ठीक है, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, बस y का रेंज सेट चेंज हो गया। ओके, सो इसमें ये आंसर है y का पीएमए। नेक्स्ट, तो ये डिस्क्रीट के लिए था। ओके, सो डिस्क्रीट इजी है फाइंड करना, कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बहुत सारे मेथड इसमें लिखा गया है, तो वन बाई वन देखते हैं। तो जो हम लोग पहले करते थे, क्या करते थे, सो दिस वाज फॉर डिस्क्रीट, हम लोग कॉन्टिन्यूअस के लिए मतलब कई सारे तरीके देखे थे ना। एक तरीका था कि तुम y का सीरीज से स्टार्ट करो, है ना, कैपिटल y लेस देन इक्वल टू y, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, सो एफ वाई ऑफ y यहाँ से स्टार्ट करते थे, देन यू कीप सिंप्लीफाइंग एंड समवेयर यू विल गेट समथिंग इन विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, और y यहाँ तुम्हारा फिर से जी एक्स है इस तरीके से। सो उसमें भी डिपेंड करता है, g अगर इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, तो इस तरीके से तुम फाइंड करते हो, है ना, x के टर्म में कुछ फाइंड करके एंड देन तुम डिफ्रेंशिएट करके एफ वाई ऑफ वाई तुम्हारा आता है कुछ इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स, कुछ ऐसा आता है इस टर्म में, ना, या फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, वो कर सकते हो तुम लोग, क्या था, सो इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एंड वाई इज जी एक्स, सो अगर मैं ऐसा लिखूँ स्मॉल वाई इज जी एक्स, तुम लोगों को ये पता है कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा मतलब यू फाइंड द इनवर्स, ठीक है, तो एक्स क्या होता है, जी इनवर्स वाई। अब उसके लिए जरूरी है इन्वर्टिबिलिटी के लिए वो 1/1 2 का कॉन्सेप्ट, तो हम मेनली ये देखते हैं कि या तो मोनोटोनिक सेट हमने देखा था ना, तो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तुम्हें एक सेट डिसाइड करना है या उस पर मोनोटोन फंक्शन हो जी, ठीक है, मोनोटोन मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उस केस में क्या था फॉर्मूला, मतलब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया हुआ है, सो एफ वाई ऑफ वाई क्या था जी, एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई, या अगर मैं ऐसा था एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई, एंड यहाँ तुम्हें वाई का पीडीएफ लिख रहे हो, सो यू शुड राइट द सपोर्ट फॉर वाई, सो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वाई का रेंज क्या है ना, वाई बिलोंग्स टू व्हाट, सो यू कैन टेक सम सेट जो भी होगा, वाई बिलोंग्स टू कुछ, मान लो रेंज ऑफ वाई बोल देता हूँ, मतलब रेंज ऑफ वाई जो भी होगा, या इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने कन्वर्ट किया था, x यू कैन राइट जी इनवर्स y एंड मॉड, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है g तो डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, सो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक f इज इंक्रीजिंग फंक्शन तो एफ डैश x इज पॉजिटिव, f इज डिक्रीजिंग एफ डैश x इज नेगेटिव, तो इसलिए मॉड लगाया, दोनों के लिए लिख दिया, अगर तुम सेपरेटली लिखोगे इंक्रीजिंग है तो मॉड हटा के पॉजिटिव कर दो, डिक्रीजिंग है तो मॉड हटा के माइनस कर दो, तो एक साथ लिख दिया, तो g मोनोटोनिक फंक्शन है, सो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सो उस केस में ये फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, मोनोटोन नहीं है तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर तुम्हें पार्ट्स में ब्रेक करने पड़ेंगे, एंड ये आता है डी ऑफ डी वाई ऑफ जी इनवर्स वाई, राइट इन दैट, वाई बिलोंग्स टू रेंज सेट ऑफ वाई, व्हाट एवर वैल्यू ऑन वाई टेक्स। फिर हमने ये भी कहा था अगर मोनोटोनिक है तो इतना दिमाग नहीं लगाना तुम, डायरेक्टली यू स्टार्ट विथ लाइक, है ना, एफ वाई ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, यू कैन कंटिन्यू विद दिस ऑल्सो, यहाँ से मतलब वही चीज़ें हैं, चीज़ें यहाँ पे वही हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आई थिंक वो इंक्रीजिंग है तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, सेम ही चीज़ें हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है सर, एक क्वेश्चन मैंने भेजा आपको ग्रुप आपके व्हाट्सएप पे, हाँ तो ठीक है, दो चार अभी एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं सर। उसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के कलेक्ट किया है, लेकिन विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन का भी शायद हो सकता है, अरे तो इसमें नॉर्मलाइजेशन यूज करो ना, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, करते हैं इसको, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है।
इसमें इसका कोई यूज नहीं है जो तुम कह रहे हो, इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं उस क्वेश्चन का, उसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, फाइव के टर्म में आ जाएगा कुछ। ओके अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सॉल्व करो इसको। तो क्वेश्चन है, चलो सबसे इजियर एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्स इज यूनिफॉर्म 01, ठीक है, एंड वाई इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यूनिफॉर्म 01 का तुम लोगों को मतलब पता है कि पीडीएफ ऑफ एक्स इज 1 व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, यू कैन टेक इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं लिखा, एंड 0 अदरवाइज। कंटिन्यूअस है इसलिए पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होगा नहीं, इट डजंट मैटर। सो ओके क्वेश्चन इज व्हाट इज एफ वाई ऑफ वाई, बताओ जी, ट्राई करो उसी मेथड से, कोई भी एक तरीका यूज कर लो। तुम यहां देख सकते हो एक्स स्क्वायर जो है मोनोटोनिक फंक्शन है 0 से 1 में, है ना। तो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑल्सो, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। बाकी लोग भी करके देखो अपने अपने तरीके से, देखो आता है नहीं आता आंसर। सो सबका अलग अलग मेथड होता है, तुम देखो किस तरीके से फॉलो करते हो। y का सपोर्ट क्या है, y का रेंज क्या है, जीरो से वन। ओके सबको समझ आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन ओवर इंटरवल 0 टू 1, दैट्स व्हाई यू कैन यूज अ फॉर्मूला आल्सो, दिस फॉर्मूला। और यू कैन यूज दिस मेथड आल्सो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग सीडीएफ, फॉर्मूला भी उसी से डिराइव हुआ है। यस दो लोगों ने आंसर बताया, बाकी लोग आ गया या नहीं आया, जिसका नहीं आया वो बताओ, किसी को दिक्कत आ रही है इसमें। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, सो आई होप सबका हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमने कई बार देखे होंगे पहले भी। सो सिंपल है, अगर मैं उस तरीके से करूँ जैसे हम पहला मेथड से करते हैं, एफ वाई ऑफ वाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, वाई ये क्या है, इस मेथड में क्या है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि इंक्रीजिंग है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करते जाओ फिर आगे वो चीज़ सोचना है। सो स्मॉल वाई है ना, कैपिटल वाई लेस देन इक्वल स्मॉल वाई, योर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो हमें अब सी डी एफ ऑफ वाई को ट्रांसफॉर्म करना होता है सी डी एफ ऑफ एक्स के टर्म में। सो व्हाट यू टेक, टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड रूट वाई, एंड देन एफ वाई ऑफ वाई यू गेट। सो प्रोबेबिलिटी, अब गलती से एक्स मत लिख देना ना, गलत हो जाएगा। सो मतलब ये मॉड एक्स है, ऐसे यहाँ पे सपोर्ट 0 टू 1 है तो फाइन है, बट इन जनरल ऐसे लिखना। अब इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हारा आएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट वाई मोर देन इक्वल टू माइनस रूट वाई, ठीक है। अब यूजिंग फॉर्मूला ऑफ, इसको सी डी एफ के टर्म में लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट द सी डी एफ ऑफ वाई इज कैपिटल एफ एक्स ऑफ रूट वाई माइनस कैपिटल एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई। ओके तो अभी मैंने क्या किया, सी डी एफ ऑफ वाई को सी डी एफ ऑफ एक्स का टर्म में लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड। तो कैपिटल वाई का डेरिवेटिव स्मॉल वाई और कैपिटल एक्स एफ एक्स, है ना, एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स रूट वाई, चेन रूल। तो पहले कैपिटल एफ का डेरिवेटिव हुआ, फिर वन बाई रूट वाई का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट वाई, फिर यह प्लस हो जाएगा माइनस रूट वाई वन बाई टू रूट वाई, करेक्ट है। प्लस इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि ये माइनस का बाद में डेरिवेटिव होगा तो प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ माइनस आता तो वो बोले माइनस यहाँ प्लस कर देगा। ओके तो फाइनली यू गेट सी डी एफ ऑफ वाई का हमने फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया इस टर्म में। सो दिस यू गेट एफ एक्स ऑफ रूट वाई प्लस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई। अब जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है, तो जल्दीबाजी करने का मतलब ऐसा ना, इसको वन रख दो, इसको वन रख दो, ये भी देख लेना कि वाई की वैल्यूज क्या क्या है ना। तो क्या होगा, एक मिनट, यहाँ टू रूट वाई है। सो हमारा एक्स जो था वो जीरो से वन में था, तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो टू वन में होगी। अब देखो जब वाई की वैल्यू जीरो टू वन में है तो ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, तो हमारा जो सी डी एफ हमें, सॉरी पी डी एफ जो गिवन है, दिस इज वन, बिकॉज रूट वाई विल ऑल्सो लाई बिटवीन जीरो एंड वन,
अब ये माइनस रूट वाई का रेंज क्या होगा, माइनस रूट वाई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो टू माइनस वन, लेकिन अदरवाइज में प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब सीडीएफ कितना है, सॉरी पीडीएफ, पीडीएफ इन केस ऑफ अदरवाइज जीरो। तो जब एक्स है ना, एक्स के प्लेस पे यहाँ माइनस रूट वाई है, और माइनस रूट वाई किस इंटरवल में लाई करेगा, माइनस रूट वाई विल लाई इन द इंटरवल जीरो माइनस वन टू जीरो, है ना, माइनस रूट वाई की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई यू विल राइट जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अभी आगे भी हमें हेल्प करेगा, कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, सो दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू। तो इसको मैंने जीरो क्यों लिया है, क्योंकि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव पे वैल्यू कितनी है इसकी, जीरो है, मतलब जीरो टू वन के अलावा जीरो है। सो दैट्स वाई यू गेट द आंसर वन बाई टू रूट वाई। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, है ना, वो मैं मेथड समझाने के लिए इतना किया। एंड वाई इज बिटवीन जीरो एंड वन अगेन, क्योंकि वाई एक्स स्क्वायर है और एक्स जीरो से वन में है, तो स्क्वायर करोगे तो जीरो टू वन ही होगा। ओके, दूसरा मेथड क्या था कि डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर लेते। सो सेकेंड मेथड आई हैव कि मेरे पास एफ एक्स ऑफ एक्स है, दैट इज वन जीरो वन व्हेन एक्स इज बिटवीन जीरो वन एंड दिस इज अदरवाइज जीरो, ठीक है। वाई मेरा एक्स स्क्वायर है और मैं जानता हूं कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर इंटरवल जीरो वन, ठीक है, जो एक्स का सपोर्ट है या रेंज सेट है उस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, कि फॉर्मूला जो है तभी यूज कर पाएंगे जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर इंटरवल या इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल जीरो टू वन। तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, एफ वाई ऑफ वाई का जो फॉर्मूला है एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, लेकिन आंसर वाई का हम पीडीएफ लिख रहे हैं तो आंसर वाई के टर्म में आ गई, एक्स को तुम रिप्लेस कर लो, है ना, तो वाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स निकालोगे तो रूट वाई ईजिली लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वाई भी पॉजिटिव रहेगा, है ना, एक्स जीरो से वन में है तो वाई भी जीरो से वन में ही आएगा, इसीलिए। तो क्या होगा, अब एक्स बराबर रूट वाई है, डिफरेंशिएट कर दो, सो एफ एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू, सॉरी नॉट रूट एक्स, रूट वाई, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, रूट वाई है, वाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स रूट वाई होगा, और एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स रूट वाई है तो एक्स का डेरिवेटिव होगा वन बाई टू रूट वाई, मॉड मैंने हटा दिया है क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो मॉड लगा देना, इंक्रीजिंग है तो मॉड पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया। और एफ एक्स की वैल्यू, एक्स कोई भी जीरो से वन में क्वान्टिटी है तो एफ एक्स की वैल्यू वन है, तो फ्रॉम हेयर यू गेट वन इंटू वन बाई टू रूट वाई, ठीक है। तो ये एक तरीका था, एंड वाई कैन टेक वैल्यू जीरो टू वन, एंड यू कैन राइट इट लाइक, है ना, जीरो अदरवाइज, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो ये तो सबको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? अगर डिक्रीजिंग होता तो, ओके डिक्रीजिंग होता तो वही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर यही आएगा, फॉर्मूला सर ये लग जाएगा, फॉर्मूला यही लगेगा, मॉड इसलिए लगाया हमने, डिक्रीजिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीजिंग से इफेक्ट पड़ेगा कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मॉड हमने इसलिए लगाया था कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। तो अभी करते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे डिक्रीजिंग वाला भी। तो चलो, तो एक सेम क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे, एक्स है यूनिफॉर्म माइनस वन टू वन, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स यूनिफॉर्म जीरो वन था, अब एक्स है यूनिफॉर्म माइनस वन टू वन, और अब बताओ सेम क्वेश्चन है, वाई इज एक्स स्क्वायर, सो वट इज द पी डी एफ ऑफ वाई, इसको केयरफुली ट्राई करो, अपने नोटबुक करो तुम लोग, फिर आंसर बताओ, फिर मैं करूँगा। इसका पीडीएफ होगा वन अपॉन वन माइनस माइनस वन, वन अपॉन टू, है ना, वन अपॉन बी माइनस ए होता है, और एक्स कैन टेक वैल्यू माइनस वन टू वन एंड जीरो अदरवाइज। चलो ट्राई करो, बताओ वाई का पीडीएफ क्या आएगा, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ वाई, वन बाई फोर इज वाई,
ओके तो 1/4 रूट वाई, चेक करो जी सबका यही आ रहा है क्या? सेम आ रहा है 1/2 या 4? 2 आ रहा है। ओके चलो फिर ऑप्शन बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन 1/4 root y, सेकेंड ऑप्शन 1/2 root y, चलो थर्ड ऑप्शन 1/√y। बताओ जी कोई और, ये चलो कोई और बताएगा फिर उसके अकॉर्डिंग। कोशिश करो सब लोग आंसर दो, उसे पता चलेगा किसका क्या रहा है। अब भगवान तो ही नहीं पता चल जाएगा, तुम्हारे नोटबुक में आके देख रहा हूँ वहां पे, है ना क्या आया तुम्हारा, या पता चलेगा लोग सो रहे हैं बेड पे, है ना सो के देख रहे हैं। सीखोगे नहीं फिर, है ना ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल, जब ऐसे ही देखना है तो वैसे ही देख लो यूट्यूब पे जाके, सीखोगे तब जब पेन चलेगा तुम्हारा। सर 1/4 root y। ओके 1/4 root y। सर वही आ रहा है। चलो ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। तो 1/ मान लो रूट वाई है, अगला लेते नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना तुमने गलती से वन यूज कर लिया होंगे यहाँ पे, तो जिसका गलत होगा वो। हाँ तो क्या करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करें? अब देखो ध्यान दो, ये जो -1/1 इंटरवल पे ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है दैट इज नॉट मोनोटोनिक। मतलब मान लो -1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो -1 से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 to 1 में इंक्रीजिंग है, तो फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें पार्ट्स में हेल्प करेगा। मतलब तुम -1 से 0 का अलग लिख लो और 0 to 1 लिख के फिर ऐड कर दो, तब -1 to 0 में डिक्रीजिंग है तो फॉर्मूला लगाओ -1 से 0 के लिए, प्लस फिर 0 to 1 के लिए फॉर्मूला लगाओ दो पार्ट में ब्रेक करके, या सीधा सीधा जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टार्ट से करते हैं। तो होगा प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, है ना, सो प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। अब मतलब फॉर्मूला वही आएगा जो वहां डिराइव किया, एट लास्ट यही आएगा, यहाँ भी यही आएगा, बस मैं डिराइव कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ हमने यूज उतना कुछ किया नहीं है, सो यही हमारे पास आएगा, फिर उसको हम पुट करेंगे। सो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू रूट वाई, सो दिस इज सी डी एफ ऑफ वाई, एंड हेयर वी विल गेट लेस देन रूट वाई मोर देन इक्वल टू माइनस रूट वाई एफ वाई ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एफ एक्स ऑफ रूट वाई माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई, ठीक है यहाँ तक, ये लास्ट क्वेश्चन में इतना ही किया था हमने। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ वाई स्मॉल एफ एक्स रूट वाई, रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 root y, देन स्मॉल एफ एक्स माइनस रूट वाई का माइनस 1/2 root y, सो इस माइनस को हटा के हम यहाँ प्लस कर देते हैं, सो वी गेट सी डी एफ ऑफ वाई एज 1/2 root y एफ एक्स ऑफ रूट वाई प्लस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई, फाइन। तो ये हमारा रिलेशन आ गया सी डी एफ ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ सी डी एफ ऑफ एक्स। अब एक्स का रेंज क्या था, एक्स इज बिटवीन -1 and 1 और वाई है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो वाई कहाँ से कहाँ तक होगा जी बताओ, वाई का रेंज क्या है? 0 to 1। 0 to 1 है ना, गलती से 1 to 1 मत कहना, तो 0 to 1, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं सब में, अरे 1 to 1 आ गया है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, बीच में 0 भी है, सो 0 to 1। ओके
सो वाई हमारा होगा 0 to 1, मतलब 0 पे इक्वलिटी होगा क्योंकि बीच में 0 इंक्लूडेड है. ओके सो वाई विल बी मोर देन इक्वल 0 लेस देन 1. अब पुट करते हैं वैल्यू. देखो सो वाई 0 to 1 है तो रूट वाई 0 to 1 होगा और ये एफ एक्स की जो वैल्यू है मतलब पीडीएफ ऑफ एक्स है, दिस इज हाफ व्हेन एक्स इज बिटवीन -1 and 1. ठीक है, तो पीडीएफ जो होगा वो फंक्शन है. सो 1/2 √y, रूट वाई की वैल्यू जो होगी 0 to 1 में होगी तो ये भी -1 to 1 के बीच है इसलिए इसका हाफ होगा और इसका भी हाफ होगा क्योंकि -√y जो होगा वो 0 to -1 में लाई करेगा, है ना. दिस विल लाई बिटवीन 0 to -1 एंड क्योंकि -1 से 1 में 1/2 है पीडीएफ एक्स का, दैट्स वाई हाफ प्लस हाफ एंड वाई इज बिटवीन 0 and 1. ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आया, वे तो 1/2 √y आ गया. बताओ तुम लोगों ने कहाँ गलत किया जी, या मैंने कहाँ गलत किया है, चेक करो. मतलब या तो मैंने कहीं गलत किया है, तुम लोगों ने किया है, किसी एक ने गलत किया है. PDF से यही आ रहा है लेकिन वो वाले fx dx प्रोबेबिलिटी से निकाल रहे PDF से तो उससे करते हैं. ठीक है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, वो फॉर्मूला तब वैलिड है जब वो इंक्रीजिंग है, तुम्हें दो पार्ट में निकालना है. तो आप आपका आंसर जो आया है एक्चुअली देखो ध्यान दो, तुमने एक पार्ट ही फाइंड, ये आंसर सही लग रहा है जो हम लोग बनाया ना सर, उसका वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो लिमिट से 1 आ नहीं रहा ये इस आंसर में. हां इसको चेक कर लो सही है गलत है. हां सर ये सही है सर. एक्चुअली सर वो वाला मेथड में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है सर, -1 से डिक्रीज कर रहा है, 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है. अरे क्या होगा देखो, प्लस दिस किसी को दो बार ऐड कर लो, 1/4 √y + 1/4 √y, 1/2 √y आएगा. और ऐसा कैसे होगा, एक बार तो -1 से 0 में करोगे, 0 to 1 में करोगे, शायद ऐसा कुछ होगा. मैं करता हूं उस मेथड से. यस सर तो आंसर ये है. ठीक है, मैं उस मेथड से भी करता हूं सेकंड मेथड फार्मूला यूज करके, लेकिन फार्मूला मैंने कहा फिर से ध्यान रखना, फार्मूला सिर्फ होल्ड करेगा इंक्रीजिंग सेट पे, मतलब फंक्शन जिस सेट पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सेपरेटली तुम्हें करना है. तो एक मेथड ये हो गया, आंसर है 1/2 √y, y 0 to 1. अभी भी किसी को डाउट है बताओ, यहाँ तक तो हमने बस डिराइव किया मेन, यहाँ हाफ प्लस हाफ जो कि 1 हो गया, तो ये आंसर है. ओके, अब मैं दूसरे तरीके से करता हूँ फॉर्मूला यूज करके. तो हमारा जो एफ एक्स ऑफ एक्स है दैट इज हाफ व्हेन एक्स इज बिटवीन -1 and 1, 0 अदरवाइज. और वाई जो है एक्स स्क्वायर है और x का रेंज जो है -1 से 1 है. अब तुम जानते हो कि y जो है दिस इज नॉट मोनोटोन, मोनोटोन में दोनों आ जाता है वर्ड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. सो मतलब या तो ओनली इंक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग, दोनों मिला के मोनोटोन बोलते हैं. सो y इज नॉट मोनोटोन ओवर और ऑन -1 to 1, तो फॉर्मूला विल डायरेक्टली नॉट हेल्प यू. तो उसको ऐसा करो, ये जो -1 से 1 है इसको दो पार्ट में लिख दो, -1 to 0 यूनियन 0 to 1, किसी एक में क्लोज लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, इस तरीके से. अब क्या है, इस इंटरवल पे तुम्हारा डिक्रीजिंग है एक्स स्क्वायर, ग्राफ बना कर देख लेना इजीली, है ना. सो -1 0 1, सो ऑन दिस इंटरवल यू हैव दिस डिक्रीजिंग एंड इस पे इंक्रीजिंग है. सो इस पे डिक्रीजिंग है और इस पे इंक्रीजिंग है, तो मतलब मोनोटोन है सेपरेटली इच इंटरवल पे, कम इस पे नहीं था लेकिन हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में. ओके, तो अब क्या करो, फॉर्मूला इस पे लगाओ और फॉर्मूला इस पे लगाओ अलग अलग. ओके, और यूनियन है बीच में. तो अब क्या करते हैं, पहले मान लो A1 A2 नाम देता हूँ, A1 यूनियन A2. तो पहले A1 सेट के लिए बात करोगे, तो हमारा फॉर्मूला है fy of y is fx of x dx upon dy का मॉड्यूलस. ठीक है, सो क्या होगा यहाँ से, और ये देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम ये एक A1 के लिए अलग लिखोगे प्लस यही फॉर्मूला तुम लिखोगे A2 के लिए. ओके, तो dx/dy और यही फॉर्मूला यू राइट फॉर A2 सेकेंड इंटरवल, सेम थिंग. क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ मोनोटोन के लिए, तो इसमें पहले इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो वर्क करेगा, दूसरे में इंक्रीजिंग है वर्क करेगा, दोनों को तुम्हें ऐड करना है. एंड इन बोथ द केस तुम्हारा रेंज जो है 0 to 1 ही आएगा, जब x -1 से 1 में है उस केस में भी तुम्हारा वाई की वैल्यू 0 to 1 होगा, और 0 to 1 है तो भी तुम्हारा आंसर y, मतलब x जब 0 से 1 के बीच है तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच आएगी. ओके, मतलब -1 से 1 है तो पूरे इंटरवल में, तो इस तरह दो पार्ट में तुम्हें करना है. अब इसके लिए लिखोगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा तो हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे. हां इसका हाफ कर नॉर्मल का हो गया या और भी इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया
उस तरह से बोलेगा तो तुम्हें डबल करना। तो ये क्या आएगा, एफ एक्स ऑफ एक्स तुम्हारा है रूट वाई, मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर रूट वाई, ठीक है ना, एक्स बराबर रूट अंडर वाई, तो एक्स रूट वाई है, तो रूट वाई। अब देखो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग था, है ना, तुम लिखोगे तो ये मॉड लगा दिया हमने तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या होगा, वन अपॉन टू रूट वाई और प्लस एफ एक्स ऑफ एक्स, ये होगा वन अपॉन टू रूट वाई। सो ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, ये था वन बाई टू, वन बाई टू रूट वाई प्लस वन बाई टू, वन बाई टू रूट वाई। तो यहाँ से क्या आता है, हाफ कॉमन लो ना, या वन बाई टू रूट वाई कॉमन लो तो हाफ प्लस हाफ वन हो गया, तो वन बाई टू रूट वाई आ गया, है ना, वाई फ्रॉम जीरो टू वन। तुम्हें चेक करना है आंसर करेक्ट है क्या, तुम्हें पता है पीडीएफ की डेफिनेशन या प्रॉपर्टी, तुम इंटी एक तो नॉन निगेटिव होना चाहिए, वो नॉन निगेटिव दिख रहा है, तुम्हें चेक करना है कि ये सही आंसर है क्या, तुम्हें सबको पता है कि चेक करना है, तो ओके चलो इंटीग्रल कर लेते हैं जीरो टू वन में, है ना। सो वन बाई टू रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट वाई जीरो टू वन, तो ये वन आ गया, मतलब ये करेक्ट है ना, वो वाला आंसर है तुम्हारा वाई वन बाई टू आ रहा होगा, तो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन क्या है, जैम वाले तुमसे ज़्यादा साथी रहे, उन्होंने क्या पूछा है, जैम में ये क्वेश्चन आया हुआ जो मैं लिखता हूँ, अब उन्होंने तुम्हें दिया है, अच्छा वो पीडीएफ क्या था, एक मिनट चलो मैं लिखता हूँ, सी व्हेन एक्स इज बिटवीन माइनस टू एंड थ्री एंड जीरो अदरवाइज, एक्चुअली मुझे सी याद नहीं है क्या है, तो इसलिए मैं अब तुमसे सी फाइंड करवाऊंगा फिर आगे करेंगे, अदरवाइज इस तरीके से है। तो पहले तो बताओ फाइंड सी, ठीक है, ताकि ये पीडीएफ चेक कर लो, माइनस टू से प्लस टू पहले ब्रेक प्लस थ्री है, मतलब अभी तो पहले सी निकाल लो उसके बाद आते हैं उसको, वन बाई फाइव, ओके वन बाई फाइव, हाँ तो ठीक है इसको वन बाई फाइव कर देते हैं, तो चलो ये वन बाई फाइव है, तो ये हो गया। अब फिर सेम क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो फाइंड पी डी एफ ऑफ वाई, तो ये जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, तब क्या होगा पी डी एफ वाई का बताओ, ट्राई करो अपने हिसाब से ट्राई करो, कोई गलत होगा कोई बात नहीं, है ना, गलती करके सीखता है ना, लेकिन ट्राई करो। वन अपॉन फाइव बाय रूट वाई, वन अपॉन फाइव रूट वाई, यस सर, ओके सर वेट टाइम, अच्छा तुम एक बार ये चेक कर दो,
तुम्हारा आंसर है 1/5 रूट वाई। तो वाई का रेंज देख लो क्या है, उस पर इंटीग्रेट करके देखो क्या वन दे रहा है ये, मतलब एक बार चेक करो ये पीडीएफ होगा क्या। तो वाई का जो भी रेंज सेट है उस पर इंटीग्रेट करो इसको, और वन आ रहा है क्या। तो यही आ रहा है सर 1/5 रूट वाई। ओके चलो, दो लोगों का ही आया, बाकी लोगों का सर ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा सर, एक माइनस टू से मतलब जीरो तक कितना रेंज गया इसका, माइनस टू से जीरो से और जीरो टू थ्री तक, और दो पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, एक जीरो जीरो फोर नाइन ये सर दो पार्ट में बनेगा जीरो से फोर और दो सर कैमरा ऑफ करवाइए सर, बोल रहे हैं ना कि इसका दो पार्ट में ब्रेक होगा माइनस टू टू जीरो और जीरो टू थ्री, उसके बाद इसका जो पीडीएफ भी फाइंड होगा वो दो पार्ट में फाइंड होगा, जिसका एक का वाई का रेंज होगा जीरो टू फोर और एक का वाई का रेंज होगा जीरो टू नाइन, और दोनों का पीडीएफ 1/10 रूट वाई आ रहा है। जीरो टू फोर ओके, एंड चलो इसको मैं करता हूं, तो अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, माइनस टू टू थ्री तो अगर आप कुछ इस तरह से है ना रख ले, ओके देखो इसमें तो सिमेट्रिक है, तुम यहां से देखो माइनस टू से टू में ये सिमेट्रिक है ठीक है, लेकिन टू से थ्री में इसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट नहीं है, मतलब माइनस टू टू माइनस थ्री में कोई मास नहीं है ठीक है, बट टू से थ्री में मास है, क्योंकि यहाँ टू से थ्री में है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी है टू से थ्री के बीच कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी इंटरवल में, और माइनस टू से टू में सिमेट्रिक है मतलब है ना। सो क्या करते हैं,
फॉर्मूला वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उससे भी ट्राई करेंगे फॉर्मूला से। पहले मैं जनरल करता हूँ जो फर्स्ट मेथड कर रहे हैं उससे करके देखते हैं, क्योंकि तुम ऐसे देखोगे तो एक इंटरवल है -2 से 0 में डिक्रीजिंग है, 0 से 2 में इंक्रीजिंग है, या 0 से 3 ले सकते हो, या 2 से 3 में ना। ये क्या है एक्चुअली, क्या होगा जब x की वैल्यू -2 से 2 में है तो y की वैल्यू क्या होगी? x जब -2 से 2 में है तब y की वैल्यू क्या होगी? 0 to 4। हाँ, 0 to 4। और जब x 2 से 3 में है तो y की वैल्यू होगी 4 to 9, है ना। तो तुम्हें एक्चुअली इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि -2 से -3 में मास है नहीं, तो वहाँ अगर तुम डायरेक्टली y 4 to 9 कर दोगे ना, तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि ओके -2 to -3 वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए उसमें। तो ओके चलो, तो मैं फॉर्मूले से करता हूँ। पहले तो वही करूँगा जो फॉर्मूला डिराइव किया हमने, सेम आएगा। सो क्योंकि हमने वाई जो एक्स स्क्वायर दिया है, सो हम क्या करते हैं, वाई के सीडीएफ से स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स, सर ये वाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। सो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स, ऐसे ही यहाँ एक मिनट, ये भी मैं वाई था तो यहाँ वाई होगा, ठीक है। वाई कैपिटल वाई को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से, सो रूट वाई, देन एफ वाई ऑफ वाई यू विल गेट प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन माइनस रूट वाई लेस देन इक्वल टू रूट वाई, सो यू ब्रेक इट, सो एफ एक्स ऑफ रूट वाई माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई, ठीक है। तो ये भी वही है लास्ट टू क्वेश्चन में जो आंसर आया उतना ही, ये भी वही है क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो ये होगा एफ वाई ऑफ वाई, सो एफ एक्स ऑफ रूट वाई माइनस, अच्छा इनटू में 1/2 रूट वाई, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई 1/2। So like the last two question, we get the same formula here. And now we have to use the given PDF. So fx of root y plus fx of minus root y. ठीक है, अब देखो क्या है ना, माइनस टू से टू में जब कंसिडर करोगे तो माइनस टू टू जो है तुम्हें कंट्रीब्यूट करेगा 0 to 4। जब x माइनस टू में है तो y की वैल्यू 0 to 4 होगी, तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, -2 to 2 एंड देन, है ना, ये जो इंटरवल है हमारा -2 से 3, सो वी हैव टू ब्रेक इट इनटू -2 to 2 एंड देन यूनियन, फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा, फॉर्मूला यूज करेंगे तीन पार्ट में करना पड़ेगा, -2 to 0, 0 to 2 एंड 2 to 3। तो यहाँ होगा इस तरह से। सो इस पे क्या है, जब जब इस A1 सेट में बात करते हो तुम्हारा वाई जो होगा 0 to 4 हो जाएगा, और जब इस सेट में बात करोगे तो वाई की वैल्यू 4 to 9 हो जाएगी। Equality you can take anywhere. तो इस तरीके से, so you have to break it into this way. क्योंकि देखो f of minus y है यहाँ पे, तो जब y की वैल्यू 0 से 2 में है, प्लस y की बात कर रहा हूँ, या रूट y की वैल्यू 0 टू 2 में है, रूट y है ना 0 to 2, तो उस केस में एक्चुअली x जो है, अच्छा इसका इनवर्स इमेज लेके देखो, ऐसे तुम लोग इनवर्स में तुम्हें पता चलेगा, अच्छा x की वैल्यू यहाँ 0 से 2 हो सकता है या -2 to 2, तो दो तरह की सिचुएशन है, x कैन टेक वैल्यू -2 to 2, और इसका इनवर्स इमेज लोगे तो ऐसा होगा कि x की वैल्यू -3 to -2 और x की वैल्यू 2 to 3, दोनों हो सकता है कोई भी चीज़, बट इसको तुम्हें एक्सक्लूड करना है नेगेटिव वाले, क्योंकि वहाँ मास है नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ इसमें, ओके नाउ वी नो दैट y की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि 0 to 9 है, ये है ना, क्योंकि हमारा -2 से 3 है, तो इन ऑल y 0 to 9 होगा। बट फिर यहाँ अगर डायरेक्टली तुम इसका इन्वर्स इमेज देखो तो फिर कोई ये डिसाइड कर लेगा ओके x की वैल्यू -3 से 3 में थी, ऐसा तो नहीं है ना, x तुम्हारा -2 से 3 में है, अगर उल्टा हो गया एक्स स्क्वायर रखो तुम y को तो ऐसा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं। तो उस इसलिए हमें क्या करना होगा, दो पार्ट में लिखना होगा इसको, देखो मैं लिखता हूँ, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1/2 रूट वाई, मैं अभी वही ऊपर वाला चीज़ें लिखूंगा,
बस मैं इसको ब्रेक करता हूँ, एफ ऑफ रूट वाई एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई वेन वाई इज बिटवीन जीरो एंड टू। तो इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ इसको कि एक्स मेरा माइनस टू से टू में है, और सेम थिंग एफ एक्स ऑफ रूट वाई प्लस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई एंड हेयर आई विल टेक सॉरी वाई जीरो से टू नहीं वाई जीरो से फोर है ना, क्योंकि वाई एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स माइनस टू से टू में है तो वाई जीरो से फोर होगा, और यहाँ फोर से लेके नाइन तक। लेकिन यहाँ ये नहीं, हमें अब जो मैं पीडीएफ लिखूंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इसमें ऐसा ना हो कि माइनस टू टू माइनस थ्री वाला जो रीजन है उसका प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाए या उसका जो मास ऐड होगा, तो वैसे नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये मैं तब लूंगा जब मेरा एक्स जो है टू टू थ्री ओनली है, नॉट माइनस टू टू माइनस थ्री या माइनस थ्री से माइनस टू। सो उसके लिए क्या करेंगे, अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ, देखो तो आंसर जो होगा इस तरह से होगा वन बाई टू रूट वाई। ओके सी केयरफुल्ली, रूट वाई की वैल्यू जीरो से टू में आएगी, रूट वाई की वैल्यू जीरो से टू के इंटरवल में आएगी, और माइनस रूट वाई की वैल्यू माइनस टू टू जीरो में आएगी। ओके तो जीरो टू टू में मास कितना है, क्योंकि इसमें था कि जो पीडीएफ हमारा है ये वन बाई फाइव है, कब एक्स कोई भी नंबर हो इसके बीच का, माइनस टू से थ्री के बीच का, एक फंक्शन है, मतलब तुम प्रोबेबिलिटी के अलावा एक कैलकुलस के टर्म में देखो तो वही चीज है कि एक्स कोई भी नंबर तुम लोगे इस इंटरवल में तो एफ एक्स आंसर तुम्हें वन बाई फाइव देगा। ओके सो हेयर जो एक्स है वो किस इंटरवल में है, एक्स के मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रूट वाई का, ये जो रूट वाई नंबर है इज रूट वाई इज इन जीरो टू टू, तो माइनस टू से टू के बीच आता है, तो इट विल टेक वैल्यू वन बाई फाइव प्लस, अब माइनस रूट वाई के बारे में बात करो तो माइनस रूट वाई की वैल्यू क्या है, माइनस टू से जीरो, तो वो भी माइनस टू और थ्री के बीच का है, सो दिस विल ऑल्सो टेक वैल्यू फाइव, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दूसरे वाले पार्ट में आता हूँ, वन बाई टू रूट वाई, अब देखो एफ एक्स ऑफ रूट वाई, सो जब मैं लिख रहा हूँ कि वाई मेरा फोर टू नाइन है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि ये रूट वाई है उस केस में दिस विल लाई बिटवीन इंटरवल पॉजिटिव ना, रूट वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सो दिस लाई इन टू टू थ्री एंड माइनस रूट वाई इज नेगेटिव क्वांटिटी, दिस लाई बिटवीन माइनस थ्री टू माइनस टू। ओके अब देखो जब वाई, तो रूट वाई तुम्हारा टू से थ्री में है, तो टू से थ्री उस इंटरवल का पार्ट है, सबसेट है माइनस टू टू थ्री का, जो कि पीडीएफ ओ एक्स में गिवन है, तो इसीलिए इस पे वैल्यू आएगी वन बाई फाइव प्लस। मैं यहाँ क्या लिखूं बताऊं, जब रूट माइनस रूट वाई माइनस थ्री से माइनस जीरो, जीरो, क्योंकि ये वाली चीज अदरवाइज में आ गई, अदरवाइज में क्यों आ गई, माइनस थ्री से माइनस टू का जो इंटरवल वो अदरवाइज है, क्योंकि पीडीएफ वन बाई फाइव तभी है जब माइनस टू टू थ्री है, अगर तुम माइनस टू के बाहर जा रहे हो तो ये अदरवाइज सिचुएशन में आ गया, और अदरवाइज में पीडीएफ क्या है, जीरो है, तो इसका यहाँ पे मैं जीरो लूंगा क्योंकि ये अदरवाइज में आ गया, दिस इज द पीडीएफ है ना, जो कंडीशन है वो अदरवाइज वाले कंडीशन है, क्योंकि ये माइनस थ्री से माइनस टू के इंटरवल में लाई करता है, और हेयर वाई इज बिटवीन फोर टू नाइन, तो मैंने क्या किया उस रीजन को एक्सक्लूड कर दिया है माइनस थ्री से माइनस टू वाले को, क्योंकि जीरो ले लिया पीडीएफ। तो अब देखो आंसर क्या आया, तो आंसर दो पार्ट में आया, तो फाइनल आंसर यू हैव इज एफ वाई ऑफ वाई दिस इज, सो वन बाई फाइव में क्या टू बाई फाइव, सो वन बाई फाइव रूट वाई, ये कब है, जब वाई हमारा जीरो से फोर का पार्ट है, तो जीरो से फोर में है, यू कैन इंक्लूड जीरो, एंड वन बाई टेन रूट वाई है जब वाई क्या है फोर टू नाइन है, और जीरो अदरवाइज, यू कैन राइट जीरो अदरवाइज। ठीक है अब तुम चेक कर सकते हो कि ये इंटीग्रेट करोगे तो ये वन देगा तुम्हें, यस सर देगा। ओके तो ये तुम्हें वन देगा इंटीग्रेट करने के बाद, तो ये मेथड है इस तरह क्वेश्चंस के लिए। अब देख लो इसमें किसी को डाउट हो तो, यहां तक तो फॉर्मूला ही था, मतलब जो इतने स्टेप्स हमने यहाँ तक किए दिस आर है ना, वो तो फॉर्मूले हर क्वेश्चन में इतना डिराइव करते हैं, और अभी क्या है इस तरह से है, उसके बाद हमने इसमें पुट किया बस अकॉर्डिंग टू पीडीएफ एंड रेंज ऑफ वाई, रेंज ऑफ एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है बताओ, सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, वो जो 1 बाई 5 पर 1 बाई 5 ले रहे हैं उसे कैसे फंक्शन लेना,
एक तुम्हारा एक्स था माइनस थ्री से माइनस टू से प्लस थ्री में, तो हमने माइनस टू से टू को अलग कर दिया, टू से थ्री को अलग किया, क्योंकि माइनस टू से टू लिया जब तो एक्स की वैल्यू जीरो टू फोर हो गई, जब एक्स माइनस सॉरी एक्स जब माइनस टू टू प्लस टू है तो वाई की वैल्यू जीरो टू फोर है। व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस टू एंड टू देन वाई इज बिटवीन जीरो एंड फोर, ठीक है, एंड व्हेन एक्स इज बिटवीन टू एंड थ्री देन वाई इज बिटवीन फोर एंड नाइन, बट मेक श्योर यू डोंट इंक्लूड माइनस थ्री टू माइनस टू इंटरवल, है ना, जब ये लिख रहे हैं तो इसीलिए हमने उसको जीरो लिया दूसरे वाले में। इसमें क्या है, जब तुम ये बोल रहे हो तो दोनों पार्ट इंक्लूडेड है ना, इसका क्या है देखो, अब इसको उल्टा जाता हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं, एक्स कैन टेक वैल्यू जीरो टू टू और एक्स कैन टेक वैल्यू माइनस टू टू जीरो, है ना, यहाँ भी ऐसे ही है, एक्स कैन टेक वैल्यू टू टू थ्री और एक्स कैन टेक वैल्यू माइनस थ्री टू माइनस टू। तो इसका वन बाई फाइव यूज़ किया, इसका वन बाई फाइव यूज़ किया क्योंकि ये उस एक्स के रेंज में है दोनों, इसका वन बाई फाइव यूज़ किया और इसका हमने जीरो यूज़ किया है क्योंकि ये उस रेंज में नहीं है जो एक्स का रेंज है ना, पीडीएफ जो दिया था, और मतलब वो रूट वाई एक्चुअली एक्स ही है ना, क्योंकि वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जो रूट वाई है देखो, ये जो हमने रूट वाई लिया हुआ एक्स ही है ना, एक्स के प्लेस पर रूट वाई आया है माइनस रूट वाई, तो माइनस रूट वाई नेगेटिव क्वान्टिटी है, तो एक्स जब जीरो टू फोर में है तो डिसाइड करो रूट वाई जीरो से टू में होगा, तो यहाँ रूट वाई मैंने जीरो से टू में लिखा है, और माइनस रूट वाई माइनस टू टू जीरो में होगा, वाई फोर टू नाइन है तो रूट वाई की वैल्यू टू टू थ्री आएगी और माइनस रूट वाई की वैल्यू माइनस थ्री टू माइनस टू होगी, कोई इनइक्वालिटी का चक्कर है, सीधा माइनस नहीं लगाना है ना, इंटरवल में पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, तो इसलिए माइनस थ्री टू माइनस टू इस तरीके से। अब इस इंटरवल पे पी डी एफ जीरो है, तो बस इसको जीरो किया है, बाकी दो हमने वन बाई फाइव किया, यू चेक। एक क्वेश्चन और करके देखो और क्लियर हो जाए, सो यू ट्राई वन मोर क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ। ओके तो अच्छा सिमिलर बेसिस पे इस टाइप का ही कर लो, लिखो अच्छा फॉर्मूले से ट्राई करें क्या, उसमें क्या होगा फॉर्मूले से अगर करेंगे तो हमें तीन पार्ट में लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि मोनोटोनिक है माइनस टू टू जीरो में, फिर जीरो टू टू में एंड टू टू थ्री में, एंड टू टू थ्री में जो होगा तो वो बिल्कुल अलग पार्ट है ना, क्योंकि वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर जीरो से टू में है, एक्स स्क्वायर देखो मैं फिर से कह रहा हूं, तो ये रीजन अलग होगा, इसमें तुम इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें क्या करोगे इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों पे पीडीएफ निकाल के, और इसमें क्या है इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट में नहीं है, मतलब रेंज ऑफ एक्स में नहीं है, तो इसका अकेला होगा, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला भी यूज करता हूं तो हमें दो अलग पार्ट में यूज करना होगा, देखो सो लाइक इफ वी यूज सेकेंड मेथड, देखो सो हमारा जो एफ एक्स ऑफ एक्स है दिस इज वन बाई फाइव व्हेन एक्स इज बिटवीन माइनस टू एंड थ्री जीरो अदरवाइज, तो अब क्या है हमारा जो इंटरवल माइनस टू टू थ्री है इसको हम ब्रेक करेंगे माइनस टू टू जीरो जीरो टू टू टेक इंटरवल समवेयर एंड टू टू थ्री, ठीक है। सो एक्चुअली क्या होगा ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है वाई जीरो से फोर में और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है y 4 टू 9 में, ठीक है। सो तो इसलिए दो पार्ट में तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, y की दो अलग अलग पीडीएफ मतलब दो पार्ट में आएंगी पीडीएफ y के, क्योंकि दिस इंटरवल है ना, ठीक है। तो ये दो पार्ट में ही नहीं क्यों होता जाएगा क्या क्या माइनस टू टू जीरो जीरो टू थ्री, नहीं नहीं उससे पंगा होगा, तीन पार्ट में क्यों बांटे हैं, हाँ तीन पार्ट में इसलिए बांटे हैं क्योंकि माइनस टू टू जीरो जो एक्स है वो तुम्हें जीरो टू फोर ही दे रहा है और जीरो से टू वो भी क्या दे रहा है जीरो टू फोर ही दे रहा है, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है, जैसे लाइक लास्ट क्वेश्चन में था
क्या था माइनस वन टू वन, देखो ये ए वन था माइनस वन टू जीरो, जीरो टू वन, और ये दोनों कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, जब एक्स माइनस वन से जीरो में है तब भी, और जब एक्स जीरो से वन में है तो भी, एक्स स्क्वायर हमारा जीरो से वन में हो रहा है, तो मैं उसको साथ रखना है सिमेट्रिक इंटरवल को, द पॉजिटिव नेगेटिव साइड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर लिखूंगा तो फिर क्या होगा, और y का पीडीएफ का फॉर्मूला जो लिखेंगे एफ वाई ऑफ y, सो इट विल बी एफ एक्स ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड, ठीक है, और y इज x स्क्वायर सो x इज रूट वाई, फाइन। तो यहाँ क्या होगा, जब इसको हम लिख रहे हैं तो विल राइट कि y, यहाँ मुझे y का सपोर्ट लिखना होता है ना, y कहाँ से कहाँ तक है, लाइक अल्फा टू बीटा इस तरह मान लो, वो देखना होता है। तो जब तुम इसको लिख रहे होगे तो ऐसा होगा एफ एक्स ऑफ y हमारा रूट एक्स है, सॉरी x हमारा रूट वाई है, और रूट वाई का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट वाई, और यहाँ जब y इस केस में जब तुम बात कर रहे हो जीरो टू फोर, ठीक है, तो x यहाँ क्या हो सकता है माइनस टू 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 टू, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा x की दो वैल्यू के लिए, एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई एंड देन यहाँ होगा क्योंकि यहाँ जा यहाँ से क्या आता, ओके एक मिनट, x बराबर प्लस माइनस रूट वाई ना, नहीं ध्यान नहीं दिया, सो यहाँ से अगर तुम निगेटिव पार्ट कंसीडर करोगे, अगर सिर्फ हम पॉजिटिव पार्ट कंसीडर करें ना, x बराबर प्लस माइनस रूट वाई, सो पॉजिटिव पार्ट जो है मतलब रूट वाई का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और माइनस रूट वाई का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, है ना, जैसे जब x तुम्हारा माइनस वन माइनस टू से जीरो में है तो उस केस में y की वैल्यू क्या है, इस केस में y जो है माइनस रूट एक्स है, x जो है माइनस रूट वाई, x जो है वो माइनस रूट वाई है क्योंकि ये x का इंटरवल है ना, x जो है माइनस रूट वाई है और y तुम्हारा जीरो से फोर में, यहाँ पे क्या है x जो है रूट वाई है, यहाँ पे क्या है x जो है वो रूट वाई है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि x नेगेटिव है ना, तो अगर प्लस रूट वाई लिखो तो x नेगेटिव आएगा ही नहीं, x तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जैसे इस बुक में भी है और भी बुक उठा लो क्वेश्चंस के लिए। सो मैं फॉर्मूला से कर रहा हूँ, सो एफ ऑफ माइनस रूट, अच्छा यहाँ मुझे माइनस रूट वाई वहाँ भी लिखना चाहिए था, मैंने वहाँ मिस किया शायद लास्ट वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था ना, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, हाँ एक्स, तो यहाँ वो माइनस रूट वाई होता है, यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है ना, ये रूट वाई है और ये जो एक्स मैंने नहीं लिखा है, दिस एक्स इज नथिंग बट माइनस रूट वाई, क्योंकि नेगेटिव साइड में क्या होगा माइनस रूट वाई होगा, पॉजिटिव साइड में प्लस वाई, मॉड लगा दिया है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है लेकिन मॉड पॉजिटिव बना देगा, माइनस रूट वाई का डेरिवेटिव ये वही चीज़ था, बस यहाँ सिमेट्रिक था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ओके एक मिनट, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, और यहाँ होगा डी एक्स अपॉन फिर से वही, सो डी एक्स तुम डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस वन बाई टू रूट वाई, और इस केस में y जो है वो 0 टू 4 है, ठीक है, और अगला केस जो है एफ एक्स ऑफ रूट वाई इंटू वन बाई टू रूट वाई, अब यहाँ दूसरा पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जो y 4 टू 9 है उस केस में y कैन बी माइनस थ्री टू माइनस टू और टू टू थ्री, बट टू टू थ्री में सिर्फ मास है, तो माइनस थ्री से माइनस टू में मास नहीं है, तो मैंने पहले इसको जीरो ले लिया, या वही बाद में जीरो करोगे, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो, फिर बाद में उसको तुम जीरो करोगे, ओके इफ यू वांट यू कैन राइट इट बट यू हैव टू मेक इट जीरो, इस तरीके से। सो क्या होगा, वन बाई टू रूट वाई तो चलो कॉमन लेता हूं मैं, अब एफ एक्स ऑफ दिस, सो बेटर था मैं पहले कॉमन लेता, नहीं कोई बात नहीं, तो यहां है एफ एक्स ऑफ रूट वाई प्लस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई, प्रैक्टिस करके देखना तुम्हें कौन सा मेथड आसान लग रहा है, फॉर्मूला वाला कॉम्प्लिकेट लग रहा है तुम इसको स्किप करना, तुम उस तरीके से ही करो, एफ एक्स ऑफ रूट वाई एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई एंड वाई इज बिटवीन 4 एंड 9। अब यहाँ देखो, तो अब जब वैल्यू पीडीएफ तुम यूज कर रहे हो, सो हेयर यू विल यूज 1/5, हेयर यू विल यूज 1/5 विद द सेम लॉजिक, क्योंकि
फिर से बोल रहा हूँ, एक्स इंटरवल में माइनस टू से जीरो, लॉजिक वही है, मतलब सॉरी जीरो टू टू एंड यहाँ माइनस टू से जीरो, लॉजिक वहां वही है क्योंकि उसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ पड़ा था। अलग क्या है, दोनों सेम ही मेथड है, वहां हम पूरा प्रूफ की तरह कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली उसी को शॉर्टकट में यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला भी दूसरे तरीके से डिराइव हुआ है ना, यहाँ है तुम्हारा टू से थ्री और यहाँ है माइनस थ्री से माइनस टू, सो इसीलिए वन बाई टू रू टू वाई, यहाँ होगा वन बाई फाइव, यहाँ होगा जीरो, क्योंकि माइनस थ्री से माइनस टू में पी डी एफ जीरो है एक्स का। इक्वलिटी पे उतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है। तो फाइनल आंसर जो आया सेम ही आएगा, ठीक है, वन बाई वन टू बाई फाइव, टू टू कट गया तो वन बाई फाइव रूट टू, सॉरी फाइव रूट वाई, व्हेन वाई इज बिटवीन जीरो एंड फोर, एंड वन बाई टेन रूट वाई व्हेन वाई इज बिटवीन फोर एंड नाइन, जीरो अदरवाइज यू कैन एक्सक्लूड जीरो अदरवाइज, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, तो थोड़ा तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो मान लो y है, एफ एक्स ऑफ x तुम्हारा है 1 बाई 15, मान लो ऐसा है, या 15 क्या है, डिसाइड करते हैं अभी। x है माइनस वन से फोर में, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, है ना, यहाँ ही 5 होगा, और 0 अदरवाइज, y तुम्हारा फिर से एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो बताओ फाइंड पी डी एफ ऑफ y। थोड़ा सा चेंज किया है, सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसको ट्राई करके देखो। सर सेम ही आएगा ना, बस इंटरवल चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ सर सेम आ रहा है, इंटरवल चेंज है, तो इंटरवल खाली चेंज हो जाएगा ना, बाकी हमने पीडीएफ से सेम ही लिया है, तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे लिखे थे। मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो एट लास्ट जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तुम लोग, तो ऐसा होगा 1/2√y एफ एक्स ऑफ रूट वाई प्लस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई, ये पीडीएफ आता है एट लास्ट। अब ये तो आता है फॉर्मूला से, है ना, यहाँ फॉर्मूला किसी भी तरीके से आओ तो ये तो इतना आएगा ही। अब यहाँ वाई का सपोर्ट लिखना होता है ना, तो फिर से यहाँ पे क्या है हमारे पास कि एक्स जो था वो माइनस वन से फोर में है, तो एक्स माइनस वन से वन इसका यूनियन, फिर एक्स वन से फोर ले, तो ये सिमेट्रिक है, मतलब माइनस वन टू वन प्लस वन में आ गए ये, तो इससे फायदा क्या है, माइनस वन टू वन में एक्स है तो वाई की वैल्यू यहाँ जो होगी वो 0 टू 1 होगी, और यहाँ y की वैल्यू होगी 1 से 16 तक, ठीक है। तो ऐसा होगा जब इसको ब्रेक करोगे, तो इसको तुम्हें दो पार्ट में रखना पड़ेगा, ये वाला इंटरवल कंट्रीब्यूट कर रहा है y 0 टू 1, और ये इंटरवल कंट्रीब्यूट कर रहा है y 1 टू 16, सो 1/2√y, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो द फॉर्मूला यू विल गेट 1/5 प्लस 1/5, कब, जब y 0 से 1 है, क्योंकि x उस केस में माइनस वन टू जीरो, जीरो टू वन हो रहा होगा, ठीक है, एंड दूसरे केस में 1/2√y 1/5 टू जीरो, जीरो क्यों लिया, क्योंकि y 1 से 4 में है, सॉरी 1 से 16 में हो जाएगा ना, y हाँ 16 में है, तो x कैन बी 1 टू 4 और कैन बी माइनस 4 टू माइनस 1, बट अगेन माइनस 4 टू माइनस 1 अदरवाइज पार्ट में है, माइनस 4 टू माइनस 1 इज इन अदरवाइज पार्ट, तो इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करें यहाँ, इसलिए जीरो ले रहे हैं। फॉर्मूला यही है, बस दो पार्ट में लिखा जा रहा है, बिकॉज वो जो इंटरवल एक्स का है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस तरह दो पार्ट में, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है तो तुम लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आंसर सेम ही आएगा, 1/5
रूट वाई जब एक्स जब वाई हमारा 0 to 1 में है एंड 1/10 रूट वाई जब वाई 1 से 16 में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ट्राई करना, अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको, अभी एक दो और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, टाइम है ना, अभी है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है A box is to be constructed so that the height is 4 inches. लिखो इस तरह से लिखा जाता करते हैं। A box is to be constructed so that the height is 4 inches. The height is 4 inches. And its base is x inches. So ये random variable है। अच्छा base है तो length breadth होगा ना, तो this by this x by x मतलब ये length है कि width हो गया इस तरह। आगे है तो height पता है, length और तुम्हें length, width, height. If x is a standard normal random variable, बोल रहा है x जो है वो standard normal random variable. So what is distribution of volume? Then what is distribution of volume? ठीक है, volume of box. So जो box का volume होगा उसका distribution क्या होगा? ठीक है, जो लेंथ और विड्थ है उसका तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन वो पता है। ट्राई करो इसको पर। तो अगर इसको थोड़ा वर्ड को है ना अनकोड करें, मैथमेटिकली लिखे तो मैथमेटिकली एक्स इज नॉर्मल 0 1, इसका पीडीएफ सबको पता है ना। सो 1/√2π e रेज़ टू पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर और x कैन टेक वैल्यू एनी रियल नंबर। अब क्या है, क्या होगा वॉल्यूम उस बॉक्स का जी? 4x2। सो लेंथ x, विड्थ भी x और हाइट है 4 है ना, तो lbh, तो lbh के अकॉर्डिंग सो वॉल्यूम जो है v मान लेते हैं, दिस इज 4x2। क्वेश्चन है व्हाट इज द PDF of V, बताओ। सिंपलर टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो। बस x स्क्वायर अब तक कर रहे थे, 4x स्क्वायर हो गया। अच्छा x पूरा रियल नंबर है, ठीक है यहाँ पे। सो अगेन पूरे रियल नंबर पे 4x स्क्वायर मोनोटोन नहीं है। एक्स स्क्वायर का आई स्क्वायर है, फोर एक्स स्क्वायर कुछ और आएगा।
उसी मेथड से करो जैसा अब तक कर रहे थे, y के CDF से स्टार्ट करो, y की जगह v है तुम्हें दिक्कत हो रहा, तो y ले लो, v की जगह y ले लो ना, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद v यू टेक y, y इज 4x2, ठीक है, यहां y ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका भी आंसर है बताना, ना है तो भी बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। बिल्कुल सेम मेथड है पिछले क्वेश्चन की तरह, एग्जैक्टली सेम। सर इज इट लाइक दैट 1 अपॉन अंडर रूट 8 पाई वाई ई रेस टू माइनस वाई बाय 8। ओके 1 अपॉन गामा फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर 1/8 एंड 1/2 इस टाइप से होगा। हां बताओ 1/ पाई क्या बता रहे थे, 1/8 पाई 1 upon under root 8 pi y. Okay, 8 pi y. Y. Okay, only y. E raised to minus y by 8. फिर भी error. Okay, minus y by. ठीक है, I think correct है. अब इसको तुम fit कर सकते हो. मेरा भी error है, लेकिन इसको fit करके gamma distribution मिलाना है, जो gamma follow करेगा. तो देखो fit करो जो तुम्हें standard उसका वो पता है ना, क्या बोलते हैं, जो पीडीएफ पता है उससे फिट करो, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो जैम में तुम देख लेना फर्स्ट पेज पे लिखा होगा गामा अल्फा बीटा का मतलब उनका क्या है, क्योंकि कहीं कहीं बुक में क्या है साहू में देखोगे बीटा को अल्फा, अल्फा को बीटा लिख रखा है, बृहस्पति में उल्टा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम अल्फा बीटा का होता है। तो उसके लिए जैम में जब फर्स्ट पेज तो देखोगे तो वहाँ डिफाइन कर रखा होगा कि आई मीन गामा अल्फा बीटा बाई दिस, तो उसका पीडीएफ लिखा होगा, तो उसे कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो इसको करते हैं, मतलब ये सही आएगा, इसको फिट करते हैं, मतलब उस तरह से लिख लो। तो रूट पाई क्या होता है, गामा 1/2 है ना, तो इस तरह के तुम लिख सकते हो इसको, गामा मतलब 8 का रूट 2√2 आ गया, और ये रूट पाई मतलब गामा 1/2 टाइप का है कुछ। सर इसका आंसर आ रहा है गामा एक जगह पे 1/2√2 एंड लैम्डा के जगह पे 1/2। ठीक है, इसको पहले अभी एक बार मैं प्रूव कर देता हूँ, फिर इसको फिट करते हैं। उसका पीडीएफ लिख लो, फिर उसके हिसाब से फिट करो, पहले पीडीएफ लिख लो अल्फा बीटा में, फिर उसके हिसाब से सेट करो। मतलब ऐसे दिख रहा है बीटा 8 होगा है ना, वाई अपॉन बीटा अगर यूज करते हो उस तरह का, तो यहाँ दिख रहा होगा, फिर अल्फा उसके हिसाब से बनाओ उसमें, और गामा अल्फा होता है ना, तो अल्फा 1/2 आता है, क्योंकि रूट पाई इज गामा 1/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही जैसे हम उत्तर करते थे नॉर्मली, y is less than equal to this है ना, so 4x square less than, या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो दो पार्ट में प्लस करके तो चलेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 टू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में 4x square क्या है डिक्रीजिंग है, 0 टू इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो उससे भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी x square less than equal to y by 4, और तो यहाँ से CDF of y find कर रहे हैं हम, तो इसको ब्रेक करोगे तो यू विल गेट x बिटवीन माइनस y बाई √y/2 टू √y/2।
So fy of y is fx of root y upon 2, चेक करना कहीं कैलकुलेशन में सेक ना हो, ठीक है, माइनस fx of माइनस रूट वाई बाई 2। ये तो हमारे फॉर्मूला टाइप का आ गया, y का सीडीएफ इन टर्म्स ऑफ x का सीडीएफ, डिफरेंशिएट कर लो। सो fy of y fx of रूट वाई बाई 2, और रूट वाई का 1 अपॉन 2 रूट वाई, तो 1 बाई 4 रूट वाई आएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ fx of माइनस रूट वाई बाई 2, एंड ये भी ऐसे ही है 1 अपॉन 4 रूट वाई, फिर 1 बाई 2 आ रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा, मतलब तुम्हारा पीडीएफ तुम क्या यूज कर रहे हो उसके हिसाब से वो पैरामीटर डिसाइड होगा ना। जैसे इसमें जो आंसर है गामा 8 1 बाई 2 है, तुम्हें लगेगा नहीं गलत है क्योंकि इसने पीडीएफ उस हिसाब से यूज किया है। ओके, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाई 4 रूट वाई एफ एक्स ऑफ रूट वाई बाई 2 प्लस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई बाई 2, ठीक है, तो ये y का पीडीएफ ऐसा कुछ आएगा। पुट कर लो वैल्यूज, तो पुट कर लेते हैं, हमें पीडीएफ तो पता ही है। सो 1 बाई 4 रूट वाई, और देखो यहाँ क्या है, इसमें y मतलब ये जो x के प्लेस पे जो भी क्वांटिटी है पॉजिटिव है, इसमें x के प्लेस पे जो भी क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, और हमारा पीडीएफ जो x का था वो पूरे रियल नंबर के लिए वैलिड है, तो दोनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए। तो 1 बाई 4 रूट वाई 1 अपॉन रूट 2 पाई, ये था ना, ई रेस टू पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो ये वाई बाई 2 आ गया, ठीक है, ये सॉरी 4 हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग बोथ करेंगे तो वाई बाई 4 एंड प्लस 1 बाई रूट 2 पाई ई रेस टू पावर माइनस हाफ एंड अगेन यू स्क्वायर, सो वाई बाई 4, इस तरीके से आ गया। तुम फॉर्मूला भी अगर देखो, तुम फॉर्मूला यूज करते हो तो एक पार्ट ये नेगेटिव पोस्ट, मतलब तुम्हें पता ना एक्स स्क्वायर इज नॉट मोनोटोन ऑन होल रियल नंबर, तो माइनस इनफिनिटी टू जीरो डिक्रीजिंग एंड जीरो टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, तो सम कर लो दो पार्ट में, तो इस तरीके से दोनों कंट्रीब्यूट करेगा वाई की, वही आया सर, दो से इनटू कर दिए, हाँ इनटू टू, क्योंकि क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी में चली जाएगी, क्योंकि वाई तुम्हारा 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर कैन टेक वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी, और x के दोनों इंटरवल जो है माइनस इनफिनिटी टू जीरो और जीरो टू इन्फिनिटी, वो दोनों कंट्रीब्यूट ये करेगा x की ये वैल्यूज, इसलिए ठीक है। तो इसको अब थोड़ा फिट करते हैं, सो 1 अपॉन 4 रूट वाई, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 पाई भी कॉमन, मतलब ट्वाइस हो गया ना, ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई बाई 8, इस तरीके से आया। अब देखो अगर मैं ये वाला पीडीएफ यूज करता हूँ गामा का, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 2 से कट जाएगा तुम्हारे 2 टाइम रूट 2 पाई इंटू 2 बाहर है रूट वाई ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई बाई, इस तरीके से है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा रेस्ट टू पावर अल्फा, है ना, ई रेस्ट टू पावर क्या यूज करते हो माइनस वाई बाई बीटा एंड एक्स रेस्ट टू पावर अल्फा माइनस 1 या वाई रेस्ट टू पावर अल्फा माइनस 1। तो अगर तुम ये वाला पीडीएफ यूज करोगे तो उसके हिसाब से आंसर आएगा, या कुछ जगह अल्फा बीटा इंटरचेंज करते हैं, या कुछ लोग बीटा की जगह 1 बाई बीटा यूज करते हैं, तो ये ऊपर आ जाता है ना, बीटा के पावर अल्फा जो है, तो जैसे भी तुम यूज करो। तो अगर मैं ये वाला इस पर फिट करूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन पहले तो ई वाले को सेट कर लो, है ना, तो बीटा की जगह मुझे यहाँ मिल गया 8, ऐसे दिख रहा है क्योंकि ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई बाई 8 है, तो जहाँ जहाँ बीटा है तुम 8 लिख दो, और वाई की पावर अल्फा माइनस 1 है, वाई को तुम ऊपर ले आओ, इस रूट वाई को ऊपर ले आओ, तो क्या होगा, पावर हो गया माइनस 1 बाई 2, है ना, तो माइनस 1 बाई 2 यू कैन राइट इट एज, क्या लिख सकते हो, 1 बाई 2 माइनस 1, है ना, माइनस 1 बाई 2 को, एंड अब जो बाकी क्वांटिटी बचा उसको फिट कर दो, तो यहाँ से अल्फा भी तुम्हें दिख रहा होगा हाफ हो गया, क्योंकि मैंने इससे कंपेयर कर लिया, इसको ऐसा लिख दिया और इस वाले को ऐसा लिख दिया, अल्फा बीटा यहीं से मिल गया, अब बाकी जो है उसको फिट कर देते हैं उसी पे, तो क्या होता है गामा अल्फा, तो गामा अल्फा इज अल्फा, है ना, और बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा इज 8, 8 की पावर अल्फा 1 बाई 2, मतलब रूट 8, ये हो गया ना। सो चेक करो क्या सेम चीज आया क्या,
क्योंकि गामा ये जो है ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं अलग अलग करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा रूट पाई टू रूट टू, है ना। तो रूट पाई इंटू टू रूट टू, तो रूट पाई इज गामा वन बाई टू एंड टू रूट टू इज रूट एट एंड दिस। तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये हो गया गामा, अल्फा कोमा बीटा अगर मैं लिखता हूँ तो हाफ कोमा एट। अब देख लो तुम्हारा पीडीएफ क्या है उसके हिसाब से वो आएगा। तो तुम जैम में अपना दिमाग नहीं लगाना, पहले उनका चेक कर लेना कि उन अगर ऑप्शन मान लो गामा वन बाई टू एट, गामा वन बाई टू, वन बाई एट इस तरीके से, तो वो तुम्हें डिपेंड करेगा उनका पीडीएफ क्या दिया है। वो दिया होगा इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पेज पे कि उनका पीडीएफ क्या है, तो उसके हिसाब से वो ऑप्शन है। अगर बाइनोमियल भी जनरली ऊपर जो रहता है बीटा का वैल्यू, बीटा वाला जनरली वही यूज करते हैं। तुम जैसा ये बोल रहे हो जैसे गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, ये यस सर, तो ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा वाई और वाई की पावर अल्फा माइनस, हाँ तो ठीक है अगर ये यूज करोगे तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। और सर इस टाइप का गामा वन बाय टू नीचे बनता है ना तो फिर काय स्क्वायर ध्यान आने लगता है, उसी में तोड़ने लगे थे आप। क्योंकि रूट पाई बना सकते हैं ना इसीलिए। हाँ तो काय स्क्वायर को भी गामा के टर्म में लिखा, काय स्क्वायर में भी आ जाएगा। हाँ सर उस ठीक है। तो मतलब ये पीडीएफ मेन हमें जानना था, हमारा पीडीएफ आ गया। अगर ऑप्शंस में इस तरह के एग्जाम में है गामा में ऑप्शन है तो वो ऑप्शन ऐसे यूज नहीं करता, वो पहले एक्सप्लेन करता है। अगर बाइनोमियल वर्ड भी यूज किया ऑप्शन है बाइनोमियल वन बाई टू कॉमा, मतलब एनपी यूज करता है तो एनपी डिफाइन किया होगा क्या उनका मतलब है। ओके तो हमने ऑलमोस्ट काई स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, तो e के पावर y by 8 है। नहीं नहीं ये काई स्क्वायर नहीं होगा, मतलब काई स्क्वायर भी जो होता है पर्टिकुलर केस है गामा का ना, काई स्क्वायर n by 2 कॉमा n by 2 होता है ना गामा, x by 2 होना चाहिए। तो ये काई स्क्वायर में नहीं एक होगा, मतलब जैसे बोल रहा हूँ मैं काई स्क्वायर कहीं आता है तो वो भी एक गामा के फॉर्म का ही होता है। काई स्क्वायर है तो गामा काई स्क्वायर नहीं होता है, काई स्क्वायर गामा होता है, वन वे है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल करा ही दिए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी किया हमने। हाँ फिर वो हमने क्वेश्चंस देखे थे ना, x यूनिफॉर्म 0 1 है तो माइनस टू लॉग x होगा, काई स्क्वायर 1 होगा इस तरह, काई स्क्वायर 2 होगा, तो वो सब भी है इसमें, उसको करते हैं। आई थिंक टाइम हो गया होगा। ठीक है तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तुम लोग जो भी बुक फॉलो करते हो, गुप्ता कपूर फॉलो करते हो, तो उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो इस टॉपिक को जितने क्वेश्चन हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक ये भी क्वेश्चन किया था, ये करना मैं दोबारा कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को समझ आए, है ना। एक क्वेश्चन था y जो है मिनिमम ऑफ रूट एक्स कॉमा टू माइनस रूट एक्स था, ऐसा था ना। तो और मुझे x का पीडीएफ दिया था, किसी को याद है, कुछ ऐसा था एक्स क्यूब अपॉन 64, है ना। इससे हमने एक क्वेश्चन किए थे लास्ट वन एक दो क्लास पहले था, तो उसमें x की कुछ वैल्यू थी, मुझे याद नहीं क्या था। तो चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 0 to 4 था और ये तो इसमें ये था फाइंड पीडीएफ ऑफ वाई। तो जो लोग उस डाउट क्लास उनको पता है, लेकिन फिर भी एक बार खुद से करके देख लो, ठीक है। ये वाई इज मिनिमम ऑफ रूट एक्स टू माइनस रूट एक्स एंड दिस, सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ वाई, इसको सॉल्व करना ये होमवर्क है। और नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और भी एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, ट्राई करना। ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा तुम लोगों को, तो क्वेश्चन रहेगा इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक्स जो है वो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो तुम लोगों को ये पता है कि जो माइनस लॉग एक्स होता है वाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सबको पता है, तुम प्रूफ कर लेना, ये हमने डिस्कस किया है, है ना। ये क्या आता है एक्सपोनेंशियल 1 और वाई बराबर माइनस टू लॉग एक्स, इसको प्रूफ करके देखना, ये आएगा एक्सपोनेंशियल 1/2 जो कि इक्विवेलेंट है काई स्क्वायर 2 के भी। तो ये कोइंसिडेंस है कि काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ और एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ हाफ का सेम आता है। फिर ऐसे ही माइनस थ्री लॉग एक्स है तो इसका पीडीएफ निकालोगे तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल 1/3। ये पैटर्न है, मतलब यही बस कोइंसिडेंस है, बाकी में नहीं लिख सकते काई स्क्वायर। तो ये वाला रिजल्ट यूजफुल है क्योंकि जैम में हर साल, मतलब तुम देखोगे तो बहुत बार इस पे क्वेश्चन आए हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, इनफैक्ट 21 में भी आया है। ओके तो इसको करना है। इन जनरल वाई बराबर अगर है माइनस लैम्डा लॉग एक्स तो ये होता है एक्सपोनेंशियल 1/λ, है ना, इस तरीके से लैम्डा मैं अभी नेचुरल नंबर मान के चल रहा हूँ।
लॉग है, नेचुरल लॉग है बेस ई के साथ, एलेन है। तो इसको प्रूफ करेंगे, दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, इसको भी ट्राई करना और इसको भी ट्राई करना, यही है। बाकी स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट पता ही है तुम लोगों को, जैसे ये है कि x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, है ना। तुम लोग पता है y अगर मैं लेता हूँ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो अगर तुम y का पीडीएफ निकालोगे, है ना, ये तुम्हें पता है कि नॉर्मल 0-1 आएगा। तो तुम इसको प्रूफ कर सकते हो, सेम मेथड जो हमने भी किया है उसी मेथड से इसको प्रूफ किया जा सकता है कि ये नॉर्मल 0 बनाएगा, मतलब पीडीएफ ऑफ y निकालोगे तो, यहाँ भी पीडीएफ निकालोगे तो उसके हिसाब से। तो इस तरह को एक बार प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट देखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो जैकोबियन अब जो आएगा वो टू वेरिएबल, आज हमने वन वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, नेक्स्ट क्लास में टू वेरिएबल का आएगा, लाइक जेड इज एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू इज एक्स माइनस वाई, सो वट इज मतलब ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ जेड डब्ल्यू, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो पहले वन वेरिएबल का प्रैक्टिस कर लेना, जो भी क्वेश्चन होगा डाउट हो पूछ लेना। यस ओके, सो एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क? नहीं है तो प्रैक्टिस करो, ये इस तरह का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वन वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे टू वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन। ओके चलो फिर, ठीक है आज के लिए, गुड नाइट। थैंक यू सर। Good night, sir.